வணக்கம் சூப்பர் ஹிட் மூவி ஐ ஏ பாஜு வாட் ரே அப்னே பச்சன் கோ ஹவா ஆனே தே ये सबको आरती दिखा। हाँ, फर्स्ट क्लास। लात मार रहा है। अरे अपना शहंशाह सब संभालेगा, चल ना। ए अपना बच्चन छा गया रे। कोड वर्ड क्या है? अब आप हमारे है ना एकदम छकास। अब आप हमारे हैं। ए छोटू भी मूवी एंजॉय कर रहा है। ऐसा है क्या? आखिर बेटा किसका? और देखो आइंदा चोरी नहीं करना, समझे? समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आखिरी बारी है। किसके लिए मारा? नहीं मालूम, नहीं मालूम। माल कहाँ पहुँचाना है शायद ये भी है। अरे क्या तू पेट से है? क्या हुआ लक्ष्मी? लगता है निकलने वाला है। उठो, संभल कर, संभल कर। घबराओ मत, हॉस्पिटल पास में ही है, संभल कर। अरे लक्ष्मी, थोड़ी हिम्मत रखो लक्ष्मी। अरे कोई ऑटो बुलाओ भाई, मदद करो। अरे हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, अभी पेट शुरू हो गया, यही पे बच्चा हो जाएगा। ठीक है, संभाल के। थोड़ी देर अंदर रह जाता तो क्या जाता तेरा। मुझे भी बताओगी क्या हो रहा है फिल्म में? मेरे अमित को मार दिया तूने? आपने गोली तो चला दी, लेकिन भवानी माँ के आशीर्वाद ने मेरी जान बचा ली। बारिश में घर डूब जाए सब मर जाए। अरे अरे, किसे मारने की बात कर रहा है? अच्छा चल बैठ, इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? और इस केतली में क्या है? आपके लिए नहीं है, दादाजी के लिए है। पापा ने कहा दादाजी को खीर बहुत पसंद है। ले 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 मेरा पोता, जा 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 जा। देख रही हो मेरा पोता मुझसे कितना प्यार करता है। सही कहा, पोते से प्यार है लेकिन अपने बेटे से प्यार नहीं है। वो हमारे इतने पास रहता है फिर भी आप बात नहीं करते। मेरी बात मानो, वो आपका बेटा है, उसे माफ कर दीजिए और जाकर उससे बात कीजिए। मैं भी कई दिनों से यही बात सोच रहा था। देखना गायत्री, अब मेरा पोता ही मुझे अपने बेटे से मिलवाएगा। रजनी ध्यान से सुन, जाकर पापा से कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है दादाजी। रजनी आजा आजा आजा, दादाजी ने क्या कहा? दादा। हाँ बेटा बोल बोल। हाँ बोल बेटा। पापा पकोड़ा मुझे बुला रहा है। ए ए, अबे रजनी कहाँ जा रहा है? ए रजनी बोला, दादू ने क्या बोला तेरे को? और क्या बोला होगा, गंदी गंदी गालियां दी होंगी। अब वो भी सुनना चाहते हो बच्चे के मुंह से? हमेशा एक ही राग तो अलापते रहते कि मुझसे शादी क्यों की। दादाजी ने तू ठूस, जितना है ना उतनी बातें किया कर। और सुनो, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है ना उनसे बात करने का, तो जाके माथा टेका अपने माँ बाप के घर। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? इन्हें क्या हुआ माँ? तू अब आया है, उनके कान तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, अब इनकी बोलती बंद होने के बाद आया है। मुझसे बात ही करनी थी तो एक बार मुझे बुलवा सकते थे ना। इन्होंने तो कई बार तुझे मिलने के लिए बुलाया था पर तू ही नहीं आया। मुझे बुलवाया था? कब बुलवाया था? रजनी ने नहीं बताया। इसने तो कुछ नहीं बताया। ए, दादा ने बुलाया था मुझे? तो फिर बताया क्यों नहीं? भूल गया था पापा। बचपन में मैं और रामनाथ लंगोटी पहन के गोटी खेला करते थे। ये जिस थाली में खाता था मैं उसमें छेद करता था, पर इसने चुपके से शादी करके गुल खिला दिया और नाम रखा रजनीकांत, तो मैं कैसे चुप रहता। मैंने अपनी फुलवारी में कमली नाम का फूलगोभी खिला दिया। अब हमने रजनी और कमली की शादी करवा के बचपन की अपनी लंगोटिया यारी को शहनाई बजाकर रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया है। अब तुम दोनों फ्लैशबैक से बाहर निकल के आ जाओ, देखो रजनी रेडी हुआ कि नहीं। मैं उसे लेके आओ, लेके आओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? रजनी किधर है? साहब तैयार हो रहे हैं। ए रजनी बाहर आ, सब तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ पापा बस आ रहा हूँ। तू पहरेदारी बंद कर, मेरे साथ चल। नमस्ते अंकल।
अरे आप लोग इतने क्या हैरान हो रहे हैं? पहले दिन देख के इतने हैरान हो रहे हैं तो शादी के दिन देख के तो कोमा में चले जाओगे। दिन दहाड़े अपने घर वालों की इज्जत क्यों लुटा रहा है? किसकी लुटी? नीचे देख। कहा तो मैं तुझे डॉन मुकद्दर का सिकंदर शहंशाह बनाना चाहता था, पर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर के तू शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला घनचक्कर बन गया। तू विजय कांत नहीं गजनी कांत है। मम्मी चुप रहो तुम, जब देखो ताने मारते हो। दुनिया की बाकी लड़कियां मर गई है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में बस अब एक ही लड़की बची है जो इसका बेड़ा पार लगाएगी, वही है बेस्ट ऑप्शन। गोबर डाल के जी मालिक। ये क्या कर रहे हो? कीड़ों की दवाई स्प्रे कर रहा हूँ। देखो जिस तरह एक ही दवाई बार बार खाने से इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचता है, उसी तरह इन पौधों पर भी बार बार ये कीटनाशक डालने से वो कमजोर हो जाते हैं। फिर तुम इस मिट्टी को चाहे कितना भी साफ कर लो, वो जहरीली ही रहेगी। रामनाथन वो है सत्यमूर्ति, साइंटिस्ट है पर किसानों के लिए वो भगवान जैसा है। यूं कहें तो उसने अपना सारा जीवन। नमस्ते सत्या, झूठी तारीफें मत कर। ये है रामनाथन, बड़ी दूर से आपसे मिलने आए हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर सत्यमूर्ति। आइए वहां बैठ के बात करते हैं। बात यह है कि इनका बेटा साइंटिस्ट है, फिलहाल वो जूनियर है पर जल्दी ही सीनियर बन जाएगा। और जानते हो उसका नाम रजनीकांत है। अपने नाम की तरह बिल्कुल हीरो लग रहा है। हाँ हीरो ही है, साइंटिस्ट बन गया पर आज भी उसके अंदर बड़ों के लिए संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। एकदम गऊ है गऊ। अच्छा। और जब मैंने उसे बताया कि वो आपकी बेटी है तो कहने लगा देखने की क्या जरूरत है। जरा रुके रुके, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, बेटे को कोई लत वगैरह? देखिए जी मुझ में कोई ऐब हो सकता है पर मेरे बेटे में नहीं। अरे अरे आप इसे अन्यथा ना ले। रामनाथन जी अगर पत्तों पर भी दाग लग जाता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। ये तो मेरी बेटी का मामला है, मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा। मिस्टर रामनाथन मैं आज ही आपके बेटे से मिलूंगा, अगर सब ठीक रहा तो फिर आज ही बात आगे बढ़ाते हैं। जी पापा। ए, अभी अभी लड़की के पिता सत्यमूर्ति जी से मिलकर आ रहा हूँ, वो तुमसे मिलने आएंगे, जरा ठीक से बात करना। हाँ कर लूंगा। और सुन, गुना ने तुम्हारी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर दी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़की भी बहुत सुंदर है, गड़बड़ नहीं करना। अरे गुना अंकल ने तारीफ करके गुना कर दिया, अब तो वो मुझे देखते ही लपक पड़ेंगे, बोलेंगे हमें ऐसा ही दामाद चाहिए था। अरे 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 फोकट का स्टाइल मेरे सामने मत मार, अपने भुलक्कड़पन का कोई भी सैंपल उनको मत दिखाना, समझ गया? अब इस तरह धमकी मत दो वरना सच में भूल जाऊंगा। ओह तुझे तो भुलक्कड़पन की दवाई का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, चला फोन काट। कैसा बाप मिला है। आज ये कच्ची गली है, फिर फूल बनेगी, फिर फूल बनते ही इस पे भावरे मंडराएंगे। हे रजनी बाहर रिसेप्शन पे कोई बुढ़ाऊ तुझसे मिलने आया है। टेंगा। बोल चमन। अरे अरे रो क्यों रहा है? एक काम कर, पहले रो ले फिर फोन कर। रजनी मेरी मसक कली की शादी उसके बाप ने कहीं और फिक्स कर दी। मतलब चमन उजड़ गया? बसने से पहले ही उजड़ गया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको किडनैप कर ले। घबरा मत चमन, तेरी फैली हुई मांग जरूर सजेगी। अरे मांग तो तब सजेगी ना जब मेरे सर पर सेहरा सजा होगा। अरे सजेगा क्या, कीले से ठोक दूंगा। पहले तू ये भिंडी रोना बंद कर यार। ठीक है पर ये होगा कैसे भाई? तो देख प्लान ये है कि हम उसके केकड़े जैसे बाप को जुलाब की गोली खिलाएंगे, ऐसा तगड़ा डोज देंगे कि दिन भर बाथरूम में ही सड़ेगा। दे चुम्मा। उससे कहना कि बुर्का पहनकर भागे और पहलवान की आवाज में बात करने लगे। हाँ चल रखता हूँ। घोड़े पे आऊंगा मैं, घोड़ी ले जाऊं। ये चाय है कॉफी? कॉफी है। अबे इसको कॉफी बोलता है? ये तो कप्स का काढ़ा लग रहा है। आ तेरे को कॉफी बनाना सिखाता हूँ, चल। मैडम आपने मेरे बारे में इन्फॉर्म किया है? हाँ मैंने कर दिया है। सबसे पहले काली कॉफी बीन्स जमा कर। अरे लिखना क्या कर रहा है? फिर उसे कूटनी में डाल के धबाधब कूट के पाउडर बना, 109 ml के दूध में मिक्स कर, फिर शक्कर डाल के नींबू निचोड़। अबे कैसे लिख रहा है? और ऐसे बनती है कड़क कॉफी। Mm.
वाह करण क्या खाना है, नाम वाली ने चिकन मस्त बनाया, उसके हाथ चूमने पड़ेंगे। अरे ये मटन चिकन क्या बोल रहा है तू? आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो, मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। इसकी तारीफ करना बंद कर, जो तुझे मिलने आया उसे तेरी तारीफ किया नहीं। कोई आने वाला था? सत्यमूर्ति को भूल गया। अरे बोलोगे क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता, वो फिर से भूल गया। हे अनु, कोई मेरा वेट कर रहा था क्या? सुबह से यही बैठे थे, लगता है चले गए। पापा अभी मुझे उनका नंबर दो। है, जैसे उन्हें जाकर मना ही लेगा, उल्लू का पट्टा किसी काम का नहीं है तू। न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ, पहले मेरे बाप को मारा अब मुझे मारेगा क्या? ये मरने मारने का अपॉइंटमेंट बाद में सेट करेंगे, पहले नंबर दीजिए। हेलो सत्यमूर्ति जी, मैं रामनाथन का बेटा बोल रहा हूँ, रजनीकांत। वो सैम्पलिंग सीट्स को चेक करने के लिए यूएस से डेलीगेट्स आए थे, इसलिए देर हो गई। नो इश्यूज, किसी और दिन मिलेंगे, अभी तो मैं निकल गया। अरे नहीं 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर, कोई मिलने की जगह बताइए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहीं मिलते हैं। ओके सर, आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। चल छुट्टा नहीं। चमन, हाँ चमन, कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद आज तो मुझे मिल गया। पतली गली कैसी भी हो टाइम पे मिलाती है, देख चम्मा ऐसी बात। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भूखी भाभी को कुछ खिलाने लाया हूँ। हेलो भैया जी, ये फीमेल पैकेजिंग में मेल है क्या? ए, ये तेरा ही तो आइडिया था। हाँ हाँ मेरा सच। भाभी को टिकाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्या यार, उसकी टेंशन तू क्यों लेता है? तू बस मेरी शादी की टेंशन ले। ए, एक पेन और पेपर लेकर आना। रेड पेन लेके आना, ब्लैक मत लेके आना, इमोशन खेल के आते हैं। सही लीजिए। देख अब इसको सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जा और वहाँ पे मंडप सजा, ठीक? हम सब वहाँ पे गवाही देने आ जाएंगे। ठीक है, रुक मैं मिलाता हूँ ना। चुम्मा तुम्हारे अंदर कोई कटसी है कि नहीं? खड़े हो जाओ। 2 घंटे से यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम यहां लव गुरु बने बैठे हो। कम ऑन स्पीक अप। सर सॉरी सर। सॉरी माय फुट, तुम्हें सॉरी कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ आदमी पर मैंने अपना वक्त जाया किया, ये सोचकर ही शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इसमें शर्म की क्या बात है, हम तो जब से पैदा हुए तब से बेशर्म है, और जो शर्म बची थी उसे बेच के खा गए, उसी वजह से तो जिंदा है। वैसे प्यार के चक्कर में मैंने भी बहुत जूते चप्पल खाए, उन्हीं लात घूसों की वजह से आज मुझे मसक कली जैसी उड़न परी मिली। मैं भी किन लोगों से बहस कर रहा हूँ? रजनी ये तेरा बाप था क्या? नहीं, एक लड़की का बाप है जिसका रिश्ता लेकर आया था। मतलब बीवी का बाप? अंकल जी, हो अंकल जी, बात तो सुनो जी, दिल की बात उल्टी करनी है। रजनी एक नंबर लड़का है, घर चला के ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बेटी उसके हवाले कर दो। क्या कहा? मेरा मतलब शादी की पुंगी भजवा दो। Hey, get out. Already out है, अब क्या धरती छोड़ दो? अरे चमन जाना यहाँ से। अरे तेरी पुंगी भजवा रहा था। वो तो वैसे ही बची हुई। What is this nonsense? सर प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती। अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ और अचानक कोई दूसरा काम आ जाए तो पहला वाला काम ऑटोमेटिकली भूल जाता हूँ सर। मुझे ऑफिस वालों ने बताया था आप वेट कर रहे हैं, पर बीच में दोस्त का फोन आया तो भूल गया। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुँचाने का नहीं था सर, प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है तू और मैं बेवकूफ हूँ जो अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूँ? सुन, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा गया गुजरा निकला। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना। खाना खा ले चुपचाप। भूख नहीं लगी है। क्यों रे, ये तेरे साथ पहली बार हुआ है क्या? फिर चेहरे पर 12 बजाकर क्यों बैठा हुआ है? बेचारा गुना इतनी मुश्किल से तेरी इमेज बनाता और तू बार बार उसकी वाट लगा देता है। एक बार तेरी शादी हो जाए तो हमें पोते पोतियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। घर में लक्ष्मी जैसी बहू आएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, इससे तेरी माँ को कितना आराम मिलेगा। अरे ये सब तो मत भूला कर। जैसे कि मैं जानबूझकर भूलता हूँ। जानबूझकर भूलता नहीं है तो जानबूझकर याद तो रखा कर, जिंदगी झंड बना दी है, सर फोड़ लेने का मन करता है। रामनाथन इसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? डॉक्टर क्या, स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, उसने कहा डिफेक्टिव माल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, धक्के मार के निकाला हमें। फिर खिस्सा पिटा रिकॉर्ड। चुप करो तुम। अब एक लास्ट आइडिया देता हूँ तुम्हें, अपने जैसा कोई स्पेशल पीस ढूंढ के लाओ और उसके साथ कहीं भाग जाओ, पर रास्ते में भूल मत जाना उसे, चाहो तो हमें हमेशा के लिए भूल जाओ। मैंने नहीं बोला मेरे लिए लड़की ढूंढने को, आपको मिलती तो आप कर लो शादी, मेरी तरफ से हाँ है, शादी में आशीर्वाद देने आ जाऊंगा। जा रहे रामनाथन, कहो तो मैं बात करूं। खाना ठूस। वाट लागली, वाट लागली, वाट लागली, वाट लागली।
कितना फोन करेगा, बोला ना रास्ते में हूँ। लाल चड्डी पहनी इसका मतलब ये नहीं कि उड़ के आ जाऊंगा। अबे रजनी कहाँ पर है तू, जल्दी आ वरना बॉस टपक जाएगा। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि काम वाली बाई के साथ बाथरूम में डांस करे। देख तुझे बोलता हूँ, अगर इसकी विकेट गिर गई ना तो हम दोनों की जिंदगी झंड हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके आ जा। अरे इसकी गालियां सुनकर कानों से खून निकल रहा है यार। रुको रुको। हेलो हेलो रजनी, जहाँ वो जाता। ओ, तो तुम ब्लड डोनर है। हाँ। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। What? ए, कहाँ पर है? आ जाना मेरे बाप। ब्लड तो कब का डोनेट कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा। ब्लड डोनेट कर दिया, कहाँ पे कर दिया? सिस्टर ये कौन सा फ्लोर है? ये पहला माला है। फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, अबे तुझे थर्ड फ्लोर पे आना था। बताया भी नहीं इसने। सिस्टर ब्लड वापस मिलेगा क्या? खरीदा माल वापस नहीं होता। सॉरी यार, ब्लड डोनेट करना इतना मुझे याद रहा, पर कहाँ करना ये याद नहीं रहा। अरे बॉस पूछ रहा है यार, मैं उसे क्या जवाब दूँ? मेरा खून उसके नसीब में नहीं है। सत्यानाश, तो फिर भूल गया। अब तो बॉस की आरती जरूर उठेगी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ। कौन से स्मशान आना है बता देना। ए, कहाँ जा रहा है? ए, रजनी सर, पार्किंग में जो नीली गाड़ी खड़ी है आपकी है क्या? अरे पार्किंग में मेरी गाड़ी नहीं होगी, वो तो रस्ते पर। मेरी गाड़ी, ऐसे कैसे तुम भूल गए? सॉरी मैम, गलती हो। तुम्हारी गलती से किसी की जान जा सकती है? किसी बच्चे की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती है क्या? वो एक्चुअली एक्सक्यूजेस मत दो। आधे घंटे में अगर बच्चे को ब्लड नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी का अचार डालूं? डोंट वरी मैडम, आपके साथ जो आदमी आया था उसने ब्लड डोनेट कर दिया। कौन? ये देखो, वो अपना आईडी कार्ड भी भूल कर चला गया। और पेशेंट बेबी का ट्रीटमेंट सॉलिड है, मांगता है तो आके देख लो। की वाट लगा दी। नुकसान के पैसे दे, नहीं तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। छोटा सा तो स्क्रैच है, सेलो टेप से ठीक हो जाएगा। इसको स्क्रैच बोलते हैं? लाइट से लेके बम्पर तोड़ दिया, इसको स्क्रैच बोलते हैं? सॉरी सर, खून गरम मत कीजिए, खर्चा बताइए। 2 for 10, 2 for 10 चल कट लेते हैं। 20,000 लगेंगे। अरे बाप रे, 20,000 इंग्लिश में बोलने से कम नहीं हो जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, आज सुबह आपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, तो इसीलिए सुबह से चक्कर आ रहा है। हां हां, तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं बस आपको उसके लिए थैंक्स कहना चाहती थी। ओके, यू आर वेलकम। आप फोन रखूं? सर सर सर, एक मिनट, आपका आईडी कार्ड मेरे पास रह गया। ठीक है, कल ले लूंगा तुमसे। सर अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो। तुम गलत वक्त पर फोन कर रही हो, प्लीज रखो। पका रही है। तू बात करना। यहाँ पे क्यों खड़े? हाँ तो बताओ क्या करना है। कैश? कैश चलेगा सर। कितना कैश? उतना ही जिससे काम भी बन जाए और गाली भी ना पड़े। बुआ की शादी में आया क्या? जल्दी बोल कितना कैश। सर 15,000। 15,000? पागल हो गए हो क्या? 12,000 के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे यार, खड़े खड़े लॉटरी लग गई अपनी। लगता है दिमाग से पैदल लेके कट लेते। ये लो, गिन के रखो। सर कभी दोबारा स्क्रैच की जरूरत पड़े तो याद करना। थैंक्स सर, बाय सर, थैंक यू। अरे नुकसान उन्होंने क्या, भरपाई मैंने की। ए रुको, ए मेरा पैसा। औरों से अलग है, एकदम यूनिक। हे क्या अकेले अकेले बड़बड़ कर रही है? सब ठीक तो है ना? पता है भाभी, आज मैं दुनिया के सबसे नेक इंसान से मिली। किसकी बात हो रही है? हा? क्या मुझसे भी अच्छा है वो? पापा, 2 दिनों से ना मैं ए नेगेटिव ब्लड ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पर जो डोनेट करने के लिए रेडी हुआ वो लास्ट मिनट आया ही नहीं। फिर एक चमत्कार हुआ, अचानक एक फरिश्ता आया और अपना कीमती ब्लड देकर उस बच्चे की जान बचा ली। अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने उसे फोन किया ना तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ किया ही ना हो। और जानते हैं पापा, जब मैं थैंक्स कह रही थी तो वो एहसान मानने के लिए राजी नहीं था। बेटा, दूसरों की मदद करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। मदद करते भी हैं तो पब्लिसिटी और तारीफ करवाने के लिए। इससे साबित होता है यू हैव मेट अ ग्रेट हार्टेड पर्सन। आज मैं भी एक बंदे से मिला। अच्छा? जिसे इंसानों के लिए बनी इस दुनिया में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। उस नालायक ने मुझे इरिटेट करके रख दिया। खैर छोड़ो उसे।
अब फोन करके थैंक्स बोलना थोड़ा सा रूड हो जाएगा बेटा, उसे मिठाई या चॉकलेट देकर थैंक्स कह देना। ओके। सुबह से एक थेपला खाकर बैठा हूँ, 4 घंटे हो गए, कब आएगी? ए भाई, वो तो मेरी भाभी नहीं है? ए, वो हीरोइन की तरह दिखती है, जूनियर आर्टिस्ट की तरह नहीं। मुझे तो सब हीरोइन लगती है। केमचो काका, अब क्या करने आए हो? बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे उठाने आए हो? बॉस एकदम कड़क है, तुम दोनों की सुझे जाने। उस खड़ूस से मिलने कौन आएगा? मैं अपनी डार्लिंग से मिलने आया हूँ। डार्लिंग? हाँ, तेरी भाभी और मेरे घर की लक्ष्मी। एक लीटर ब्लड चूस के इसके दिल में प्यार का डंक मार दिया। ओह, अब समझा, 2 मिनट के प्यार के लिए तूने बॉस का एहसान भुला दिया। मैं श्राप देता हूँ, तू गूगल पे भी अपनी डार्लिंग ढूंढेगा ना तो भी तुझे नहीं मिलेगी। ये पन्नौती क्यों बे? बेगा नहीं शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। इसके दिमाग में घूमर हो गया ना तो कांच का झूमर लगाने मैं आया हूँ ना। ए भाई, इसकी बात मत सुन, तू हीरोइन ढूंढ। हेलो। हेलो सर, मैंने कॉल किया था, आप अपना आईडी कार्ड भूल गए थे, वही याद दिलाने के लिए दोबारा कॉल किया। कौन है रजनी? कोई नर्स है। नर्स? हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर आकर दे दो। सॉरी सर, मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे डांस स्कूल में आकर ले सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी दुकान पर आकर ले जाऊंगा। सर सर, आप पक्का आने वाले हैं ना? अजीब चिपकू है, एक बार बोला ना आ जाऊंगा। चलो फोन रखो। हाँ, कुछ भी, नंबर ब्लॉक कर। ये नर्स मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लगता है तेरा आईडी कार्ड देखकर इंप्रेस हो गई है। तू कार्ड लेगा ना तो उसे आई लव यू बोल देना। नहीं नहीं, कभी नहीं। है? जब दिल आया परी पर तो गधी का क्या काम। हेलो। हेलो सर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं पहुँच चुका हूँ। सर, आप जरा लेफ्ट में मुड़कर देखिए। हाँ, मुड़ गया, आप क्या? आईडी कार्ड ये लीजिए। नाचने गाने का धंधा है क्या? हाँ। बेशरम, ये खाना पकाना सिखाती है। खाना नहीं, डांस क्लास। हाँ। एक ही तो बात है, कलाकारी तो दोनों में ही चाहिए, नहीं? पर एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास कैसे? एक्चुअली कल आपने जिस पेशेंट को बचाया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। गॉड, तू सिगरेट हो, खून भी बहाया तो इतना फायदा कराया। ये ऊपर देख के किससे बात कर रहे हैं आप? मन्नत मांगी थी कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो 10 कुत्तों को बिस्किट खिलाऊंगा। आप पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। अगर आप एक बार मेरे पापा से मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मिलूंगा ना, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा, उनसे मिले बिना रिश्ता पक्का कैसे होगा? रिश्ता पक्का मतलब? अब क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत किसी न किसी चीज से होती है, हमारी शुरुआत खून से हुई है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। अबे, वो तेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा, मैं हाँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी, बुरा ना मानो तो मैं यहाँ रोज तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? वो किस लिए? डांस सीखने के लिए, और किस लिए? डांस? सॉरी, एक्चुअली यहाँ ना आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन हो तो फिर आप यहाँ पर रोज आ सकते हैं। डांस क्लास के बहाने पॉकेट मारना चाहती है। हाँ, चुप हो जा। ठीक है, तो मैं कल अपने भाई को ले आता हूँ और डांस में घुसेड़ दूंगा। अभी क्या कर रहा है तू? नया भाई कहाँ से लाएगा? हाँ, बड़ा शरारती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ सीख जाए वो, है ना? वो सब तो ठीक है, पर मैडम मत कहिए मुझे, जस्ट कॉल मी वंदना। कितना मीठा नाम है। अच्छा, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो फिर मैं चलूँ? जाओ जाओ, बिल्कुल, प्लीज। ओके, बाय। नमस्ते। फ्री, भाई के साथ बहन फ्री, चाचा के साथ मामा फ्री, और साथ में एक काम वाली भाई भी फ्री। आप चाहो तो दादी भी फ्री, बस 1 लाख पर डे माइनस GST। और हाँ, साथ में वैनिटी वैन कंपलसरी है। ओ मैडम, तुम्हें सैलरी देने लगे ना तो लोटा लेके जंगल भागना पड़ेगा। हमारा बजट नहीं परवड़ेगा। नेक्स्ट। अबे, छोटी बहन ने छोटा भाई बोला था। अरे ये देख, काला जामुन। अबे कोयले की खदान से उठा के लाया क्या? उससे तेरी नहीं मेरी शक्ल मिलनी चाहिए। रजनी, काले रंग पे मत जा, काले ही दिल वाले हैं। अभी गोरा करता हूँ, सफेद प्लेट दे। हाँ, ये ले। अबे रजनी, भिखारी को भाई बनाने की मत सोचा। अब तो सोच लिया। दीदी दीदी, बोलना इस चिंदी को 1 रुपया देने को। रजनी, ये तेरे लिए ठीक रहेगा, इसका थोबड़ा तुझसे मैच करता है। तेरा भाई होता ना तो ऐसा ही दिखता। मिल गया बकरा। हाय हाय।
हाय, एक रुपया दे। कंट्रोल। ये मेरा भाई कटोरा दास। कटोरा दास, ये कैसा नाम हुआ? पैदा होते ही मैंने कटोरा पकड़ लिया, इसीलिए मेरा नाम कटोरा दास पड़ गया। ओह हाउ क्यूट। सौम्या, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना। दीदी, मैंने इसको किधर देखा है? भैया, एक रुपया देना। बोला ना भाग। अरे गरीब खाएगा तो दुआ देगा रे। अरे इसको खिलाने के चक्कर में मैंने खुद 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, हो सके तो मुझे कुछ खिला दे। इस चिंदी चोर से कभी शादी मत करना, ये तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। इधर मिला है, ऊपर मत मिलना। के पोपट, तू भीख मांगता है ना? वंदना दीदी, मैं इसका पूरा हिस्ट्री जानता है। हेलो, ये पार्क में लवर से भीख मांग के परेशान करता। इसको देख के वो लोग दुम दबा के भागती। क्या? ये लोग उसी चचुंदर को मेकअप डाल के इधर लाया। इसके सांबर के दाल में जरूर कुछ काला। अबे पनौती, अब तू कुछ मत बोलना वरना वाट लग जाएगी। ये सब सच है क्या? हाँ ये सच है, ये भिखारी है। तुम कहाँ रहती हो? आनंद नगर। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे भीख तो देते हैं ना? अपना धंधा फैलाने लग गया, रोक इसको। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे ट्रैफिक सिग्नल वाली हरकत है, डांस क्लास में कहाँ कर रहा है? सॉरी यार, ये सच है कि एक भिखारी है। लेकिन ये कोई चोर नहीं है, बदनसीब है ये। पर भिखारी कौन नहीं है? मैं, तुम, हम सब भिखारी है। ये अमीरों के आगे हाथ फैलाता है, हम ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाते हैं। इसकी भिखारन माँ ने बड़े लाड़ प्यार से भिखारी बना है। सच्ची? पर इसका भिखारी बाप बोलता था कि अपने भिखारी भाइयों की तरह ये भिखारी नहीं बनेगा, एक अच्छे घर का लड़का बनेगा। भैया, उसने तो सिर्फ मुझे एक बार भिखारी बोला और आपने पिछले 5 मिनट में 50 बार भिखारी बोल दिया। भिखारी नहीं है तू, हमारे घर का बच्चा है। हमने इसे गोद लिया। ये भिखारी बनकर पैदा हुआ था पर भिखारी बनकर इस दुनिया से नहीं जाएगा, ये वादा मैंने भीख में दिया था इसके बाप को। शहर का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा डांसर बनाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए इस डांस टीचर को छुप छुप कर देखना क्यों ना पड़े। मेरा भिखारी भाई। आहा, ऐसा लग रहा है मोरनी नाच रही है। लल्लू, क्या बात कर रहे थे, याद दिलाना? 3 तारीख को चौथे दिन। हाँ, 3 तारीख को चौथे दिन। बैठो ना। इसकी फोटो है। नमस्ते भाभी। बैठो रजनी, यहाँ कैसे? बस यही। अरे पूछोगे नहीं क्या खाऊंगा? और फिर मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गई है क्या? ओवर एक्टिंग करने का अच्छा मौका है। सुनो भाई साहब, ये लो मेरी शर्ट पहन लो। अरे नहीं नहीं, ये ठीक है। अच्छा, लेकिन घड़ी चाहिए, अपना टाइम आ गया। उसके बाद में hey, आइसक्रीम। बैठो, मैं लेके आता हूँ सबसे मीठी वाली। दिन ये लीजिए। बहुत अच्छी है। मुझे लगा तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे, पर तुम तो अकेले ही खा रहे हो। न्यूज में सुना था आइसक्रीम में नशीले पदार्थ मिले हैं, तो तुम्हें खिलाने से पहले खुद खा के चेक कर रहा था। ओके सर, पहुंच गया। अरे क्या कर रहा है, खानदान का नाम खराब करेगा ऐसे नाच? अभी कांच साफ कर ऐसा। अरे अरे रुको, मैं बताती हूँ। अच्छा चल चल। और बर्दाश्त नहीं होता, आजा। अरे, ये, क्या कर रहे हो? अरे रजनी, नीचे उतारो मुझे प्लीज। हाय, ये क्या तुम्हारे शूज का है? वो रास्ते में एक बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चल रहे थे तो जूते उन्हें दे दिए। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम? बेटा कहाँ है? उसने कहा मुझे लेने के लिए आएगा। अच्छा, लो वो आ गया। वेलकम अजय। कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया अंकल, आप कैसे हैं? बढ़िया। पापा चलें। ओके।
अरे रुको ना, अभी तो आए हो, कॉफी तो पी के जाओ। सॉरी अंकल, अर्जेंट वर्क आ गया। अरे कोई बात नहीं, कॉफी फिर कभी पी लेंगे। पापा कॉफी पी के ही चलते हैं। कॉफी लीजिए प्लीज। सत्या, लगता है अजय को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। ए, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं, तू वंदना के लिए लड़का ढूंढ रहा है, मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अगर दोनों एक दूसरे से शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। ये क्या बात हुई पापा, एक तो पहली बार आए हैं, ऊपर से इस तरह बिहेव कर रहे हैं ये लोग, कितना एम्बैरेसिंग लगा मुझे। ए, जरा धीरे बोल, लड़के वाले सुन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सुनने दो ना भाभी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन पुलिस वाले से शादी कभी नहीं करूंगी। कूल डाउन, मैं बात करता हूँ। सॉरी यार, कितनी ही लड़कियां देखी पर इसे कोई पसंद नहीं आई, पहली नजर में वंदना पसंद आ गई, इसीलिए बिना कुछ सोचे मैंने अपने दिल की बात कह दी, मुझे माफ कर देना यार। अरे कैसी बात कर रहे हो, दरअसल मेरी बेटी को पुलिस वाले पसंद नहीं। बेटा उसे खलत। इट्स ओके अंकल, थैंक यू। पापा आइए। ठीक है, टाइम पे खाना खा लेना। वंदना को फोन देना। हाँ देती हूँ, तुम्हारे भैया तुमसे बात करना चाहते हैं। वंदना। हेलो वंदना। हेलो वंदना, सुनो ना, लगता है उसका मूड खराब है, आप उसे बाद में फोन कर लेना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ, उसने अब तक तुझे प्रपोज नहीं किया? मुझे सब समझ आता है, चल अब बता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम तो बस फ्रेंड्स हैं, बट मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या फील करता है, लेकिन किसी ना किसी बहाने हर रोज डांस क्लास में मुझसे मिलने आ जाता है वो। यही तो प्यार है पगली। सच कह रही हो भाभी? अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। कुछ दिन तू अपने प्यार के बारे में उसे कुछ मत बताना, पहले ये पता कर कि उसके दिल में तेरे लिए प्यार है या नहीं। ओके भाभी, डन। भैया गरीब के कटोरे में कुछ डाल दे। हाय। डाल दिया? अरे वाह, भीख के नाम पे बाइक दे दी। भाई साहब आप प्रभु नहीं हो, महाप्रभु हो। दीदी बहुत अच्छे इंसान है, इनका ख्याल रखना। चल मेरी लूना। हाय। हाय। क्या बात है, दिन पर दिन तुम्हारी दिलदारी आसमान छू रही है। शर्मा गई। क्या तुम भी, आज तुम्हारे क्लासेस के बच्चे नहीं है तो मेरी ही टांग खींच रही हो। नहीं नहीं, तुमने उस भिखारी को अपनी बाइक दे दी ना, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। बाइक दे दी? हाँ देखो। टाटा बाय बाय। मैं बस एक मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? बस यूं गया और वेटर को ढूंढ कर लाया। अरे अरे रुक, वो मेरी बाइक है, बिना बाइक के लौटा तो बाप घर से निकाल देगा। भूल जा, भूखा अपनी बोटी और नंगा अपनी लंगोटी, कभी वापस नहीं करता। अरे मगर ये बोटी, मेरा मतलब बाइक मेरी है, मैं भुलक करूँ भूल से तुझे दे दी। अरे भूलने की बीमारी है तो बादाम खाया करना। अरे मुझ पे रहम कर, बाइक वापस कर दे मुझे। अरे लात क्यों मार रहा है, बाइक का घोड़ा नहीं। इस खटारे में सेकंड गियर कैसे डालते? अरे क्लच को दबाकर गियर को ऊपर कर। चंद्रयान सूर्ययान। हेलो डार्लिंग। पता है कल मैंने तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार किया, कम से कम एक बार फोन करके तो बता सकते थे ना। अबे बाइक के चक्कर में इसको तो भूल गया। मेरी दूर की बहन चंदा मांगने आई थी तो चंदा देने चला गया। झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो टांग खींच रही थी, आई नो तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो। सही कहा मैडम, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, ये मैडम टीचर नर्स ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। ठीक है नाम से बुलाता हूँ। अरे इसका नाम क्या था? तेरी भाभी का नाम बताना। भाभी का तो नाम ही भाभी है, मेरे को लेके गया होता तो असली नाम बताता। हेलो, मुझसे बात नहीं करनी तो बता दो ना। नहीं वो क्या है कि पहली बार तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ,
तो सोच रहा हूँ फोन पर क्यों लूँ, आमने सामने मिल कर लूंगा। सच में बहुत डिफरेंट हो तुम। अच्छा मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, पर मुझे झूठ मत बोलना। अरे झूठ तो कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ, और सच से मेरा कभी सामना ही नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे? मैं क्या? वो क्या तुम मुझसे? हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मैं पूछ रही थी कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। रुकावट के लिए खेद है। हाय सर। थैंक यू लदनी। थैंक यू किस लिए? अले अपना ब्लड देने के लिए। तुम्हारे खून नहीं तो मुझे मौत से आजादी दिलाई है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्लड देके खुद ही भूल गया। यू वेलकम सर। तू ही दो, तू ही। इस सब की क्या जरूरत थी? सिर्फ पगार बढ़ा देते। अरे अगले महीने के 32 तारीख को आदा ना। क्या है कि ये बैटरी चुत्ती पे जा रहा है, तुझे इसकी पकाल दे दूंगा। आपके अंतिम संस्कार के लिए, मतलब ऑफिस के काम। सुना अंतिम गदा है और इसमें तनकार नहीं है। खून बहुत तेजी था। आओ जो बॉस को सच्चाई बता देता ना तो मिठाई नहीं जूते मिलते। छोड़ना, मिठाई खा, मौज कर। हेलो हेलो, बासी मिठाई लग रही है छी। अरे भाई मिठाई तो मीठी होती है, ये खारी है। 100% इसमें पसीना मिक्स किया होगा। अरे चाय की टपरी है ना, उसी के पीछे एक डांस स्कूल है। वहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई मिलती है। डांस स्कूल? बहुत लंबी लाइन लगती है। लाइन? कभी कभी तो महीने लग जाते हैं। अच्छा। अरे मेरी वाली भी लाइन पे थी। अरे भाई तू भी लाइन लगाने। हाय हाय हाय, मैं यही हूँ, बोलो। सॉरी वो बॉस आ गए थे तो उनसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। अच्छी बात है। तो तुम कुछ कह रही थी ना? कुछ खास नहीं, बस एक जोक मार रही थी। जोक? मुझे जोक मारने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। वो तो मुझे याद नहीं रहता, वरना एक तो जोक तो मैं भी तुम्हें सुना देता। बाय द वे, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। पता नहीं ये सही टाइम है या नहीं है, पर एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? क्या तुम क्या मैं क्या तुम मंथली सैलरी लेती हो या पर क्लास फीस मिलती है? नहीं, अगर कम मिलती है तो बताना जरूरी नहीं है। बाय। वंदना फोन बज रहा है। Hey, रजनी का फोन है। मुझे पता है वो मुझे लाइक नहीं करता, अब क्यों फोन कर रहा है वो, कट कर दो। हेलो। हेलो डार्लिंग। एक मिनट रुकिए, मैं वंदना को फोन देती हूँ। ले बात करना, वो तुझे डार्लिंग बोल रहा है। हेलो। वो थिएटर जाना था। किसको? तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो हम दोनों ही जाएंगे ना, जल्दी से आ जाओ। नहीं मैं नहीं आ रही। देखो मना करके मेरा दिल मत तोड़ो, मैं पहले टिकट्स ले चुका हूँ इसलिए तो मना नहीं कर सकती। इस पिक्चर में हीरो चड्डी पहनकर कंधे पर घाघरा बांधकर हवा में उड़ता है। बहुत ही बेकार जोक था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कमिंग। अब लगता है तुम मुझसे अब भी नाराज हो, गुस्सा करके खून मत जला। और वैसे मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बता दी ना, अब क्या बाकी है? अरे रे रे, ऐसा मत करो मेरी हनी, मेरी स्वीटी, मेरी कस्टर्ड, मेरी केसर कुल्फी। अरे डम्बो, तुझे अब तक बात समझ में नहीं आई? मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुझे ही चाहता है। फिल्म तो सिर्फ एक बहाना है, आज वो तुझे जरूर प्रपोज करेगा। भाभी आप सच कह रही हैं? वो पक्का मुझे चाहता है ना? 100%। चल बात कर। हेलो हेलो, बात कर ना। हेलो। हाँ हेलो। कितने बजे का शो है? मान गई, शाम ठीक 7 बजे मूवी टाइम थिएटर पहुँच जाना। ओके ओके, बाय बाय। Yes, देखा बुढ़ाऊ। कैसी हो वंदना? दूर से लगा तुम ही हो, पहचान लिया। फिल्म देखने के लिए आई हो? थिएटर में आई हूँ तो फिल्म देखने ही आऊंगी ना, शॉपिंग करने तो नहीं आऊंगी ना। यानी अब तक मुझसे नाराज हो? अरे जो नहीं आया उसका इंतजार क्यों करना, मैं हूँ ना साथ में एंजॉय करने के लिए। फिल्म की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मूवी देख सकते हैं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। नो थैंक्स। कितना भी उड़ ले, पिंजरे में कैद करके रहूंगा। अरे भीख की चीज तो छोड़ दे। मैं बुढ़ाऊ, भीख की चीज मैं कभी नहीं छोड़ता। अरे चल शॉट मारना।
वाह, एक पैर कबर में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे, फिर भी नजरें रानी पर है। अरे रानी की तो दुनिया दीवानी है। ये क्या वल्गर बातें कर रहा है? अरे कैरम वाली रानी। अरे पहले ही तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। पर जोश बाकी है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, आज रानी तो मेरी होके रहेगी। अरे नहीं जाएगा। अबे मारना यार। मैं बोलता हूँ नहीं जाएगा। अरे जाएगी। गड़बड़ लग रही। अरे बाप रे पिक्चर, इसे बुला के मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं। सुना की है? घबराइए मत, रानी जरूर जाएगी। अभी तो कह रहा था हाथ कांप रहे हैं। असली रानी आ गई, चुपचाप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अपना पूरा ध्यान रानी पर लगा दीजिए, उसे पॉकेट में जाना ही होगा। निशाना लगाओ चाचा, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम कर सकते हो चाचा, तुम कर सकते हो। जूस पी के मारोगे? नहीं, रानी मिलने के बाद। अब मारने के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हो क्या? चलो चलो चाचा, चलो चाचा मारो। ले गए रानी। चाचू को बचाने के लिए शुक्रिया। बापू, मुझे पैदा करने के बाद दूसरी बार कमाल किया। चाचा एक ग्लास जन्म घुट्टी पियो। एक ग्लास नहीं, पूरी बोतल ला। अरे मुंह क्या देख रहा है, देना मुंह तो खोलो, जिंदगी के दो घुट चख लो। रजनी आज जो तूने किया वो मैथमेटिक्स में एक मिरेकल है, चमत्कार। मैथमेटिकल नहीं, मेडिकल। मेरा भी वही मतलब था, चमत्कार तो चमत्कार होता है। बापू तुसी तो ग्रेट हो। रजनी, बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले हकीम ने भी जवाब दे दिया था कि बापू का टिकट कटना तो कंफर्म है, लेकिन तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने एक कैरम के जरिए बापू को बचा लिया। जादू की झप्पी दे यार। इसकी ओवर एक्टिंग से भांडा फूट जाएगा। जैसा चल रहा है सब चलने दे। शर्मा जी तनिक रेडियो बंद करो। ठीक है, करता हूँ। बापू जान बच गई ना, चलो एक गेम और खेले क्या? रानी के चक्कर में फिसल रहा सामान। दिमाग पे असर पड़ा है, अब इसे कहाँ छोड़ूं? गटर गटर। एक्चुअली पूरे एक हफ्ते से अंकल ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उनकी जान बचाने के लिए कैरम खेलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थिएटर नहीं पहुंचा। सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अंकल के हाथ से फिसलती हुई इनकी जिंदगी। उनकी खातिर मैंने हमारा मिलना कुर्बान कर दिया। आई एम सॉरी। नो नो प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत करो। आज भले ही तुम नहीं आए, पर तुमने किसी की जान बचाई है, और किसी की जान बचाने से नेक काम दुनिया में और क्या हो सकता है। तुम इंसान नहीं, इंसान के भेस में फरिश्ता हो। अगर दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाए ना, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भांडा फूटेगा ना, वाट लग जाएगी। और ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है पता है? अब क्या? सुपर से भी ऊपर। अगर इसे सच्चाई पता चली ना, तो तुझे जिंदा गाड़ देगी। जानते हो तुम नहीं आए, इसीलिए गुस्से में तुमसे दोस्ती तोड़ने आई थी। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय बाय। ए, क्यों रे? इस इलाके में आके धंधा करती है? हा? क्या क्या तेरे बारे में सब पता है? चल 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 ऐसे अंदर। चुप चुप चुप, छोड़ो मुझे। वंदना आई नहीं अब तक? देखिए उसी का फोन आया है। अच्छा, हेलो पापा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले आए हैं पापा। क्या बात कर रहे? किस लिए? मुझे नहीं पता। देखो देखो बेटा, फिक्र मत करो, वहाँ जो ऑफिसर है उसे फोन दो। मेरे पापा का फोन है, बात करो। हाँ बोले भाई। सर क्यों अरेस्ट किया उसे? क्या किया उसने? प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ा है भाई। प्रोस्टिट्यूशन केस? ये नहीं हो सकता। अब ज्ञान की बात सुन, आधे घंटे में वकील लाके बेल करवा ले, वरना बेटी कोर्ट से मिलेगी। सर सर सर। पापा क्या हुआ? वंदना को पुलिस वाले अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए, मैं उसे लेकर आता हूँ। वापस कोई कांड कर दिया क्या? सुनो, मैं अभी वंदना के घर के बाहर हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, भूल गया क्या? अरे भूला कुछ नहीं हो, अभी अभी एक कार उसके घर से निकली, शायद मेरे ससुर की कार होगी। तो प्लान तो था आधी रात को वंदना को मिलने का, पर सोच रहा हूँ कि अभी अंदर चला जाऊँ, अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देख यही सही मौका है, दिल की बात बता दे, वरना बाद में क्या बोलना है भूल जाएगा। तुझे लगता है मान जाएगी? 100% उसके दिल के गार्डन में तेरे प्यार का फूल खिल रहा है, तू बस जाके पानी दे दे और हरा भरा कर दे। ठीक है।
मेन रोड पर है, आप गलत रास्ते पर आ गए भाई साहब। अरे मैं भूल गया था, अब बता दो ना कहाँ है। एक काम करो, आगे जाके राइट मारो, फिर लेफ्ट मारो, फिर आगे से ना यू टर्न मारो। वो छोड़ो, कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या? अपनी गाड़ी पीछे लो और राइट टर्न मार लो। किसने अरेस्ट किया है? जनाब मैं लाया, प्रोस्टिट्यूशन का केस है। प्रोस्टिट्यूशन? जी। जानता है वो कौन है? शी इज माय वाइफ, शादी करने वाला हूँ मैं। टाइम से पहले ही चढ़ा लिया क्या तुमने? सर जी गलती होगी हमारे से, आई एम सो सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, इनसे कहो। मैडम जी गलती से मिस्टेक हो। हाँ बस हुआ, जाओ। सॉरी अंकल, अब जा सकते हैं। अरे ये बाइक रास्ते पर किसने खड़ी कर दी? ए, क्या कर रहा है? गाड़ी क्यों उठा रहा है? दिखाई नहीं देता, मैंने मार्किंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। वो किस लिए? अरे एक्सीडेंट हुआ है, जब तक बड़े साहब नहीं आते तब तक गाड़ी को यहाँ से नहीं हटा सकता। एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ? वो देखो वो खड़ा है, उसकी वजह से। गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता क्या? कहाँ का रहने वाला? धान का क्रूज रहता हूँ सर, 30 साल से वही धक्के खा रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही का रहने वाला हूँ। कौन सी गली में रहता है तू? वो चौड़ी गली के पीछे जो पतली गली है ना जी, वही रहता हूँ बस मैं। बारिश की वजह से टायर फिसल गया। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बारिश में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही जाती है। ठीक कह रहे हो भाई साहब, आप तो समझ गए, पर पुलिस वाले को कौन समझाएगा? आप तो भाई साहब मेरी गली मोहल्ले के रहने वाले हो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ प्लीज भाई। सॉरी हॉस्पिटल ढूंढने में टाइम लग रहा है, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। अंकल डोंट वरी, केस मैं संभाल लूंगा। आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। वंदना सॉरी, सबके सामने तुम्हें वाइफ कह दिया सिर्फ इसलिए कि अगली बार जब भी कोई पुलिस वाला तुम्हें देखे तो परेशान ना करे। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। एक बात और अंकल, फैमिली में कोई पुलिस वाला हो तो इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी, इस बारे में जरूर सोचना। चलते हैं पापा। हाँ बेटा चलते हैं। सर, क्या आपको अब भी लगता है कि ये लड़की आपको पसंद करेगी? मैं किसी के पसंद नापसंद का इंतजार कभी नहीं करता। अभी इसके पर काटे हैं, कल दबोच लूंगा। एनीवे, तूने आज उसे बहुत अच्छे से फंसाया, सारी रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ये ले जा, मूड बना। भाभी भाभी, आगे खोलिए भाभी, भाभी उठिए प्लीज। क्या हुआ भाई, भाभी मान गई? सब खत्म हो गया यार, शुरू होने से पहले कहानी खत्म हो गई। आज मेरी वजह से एक माँ और बच्चा मरने वाले हैं। मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से निकलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, देख वहाँ आसपास कोई होगा, पता करके तू कहाँ है, मैं बस अभी के अभी आता हूँ। सामने सिर्फ एक साइन बोर्ड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी, मैं लेकर आया था, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, बच्चा बच्चेदानी में फंसा था, फिर पता नहीं कैसे सही पोजीशन में आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इनफैक्ट सच कहूँ तो आधा इलाज तो यहाँ आते वक्त ही हो गया था। रास्ते में थैंक यू डॉक्टर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। रजनी सब कुछ ठीक है ना? हाँ यार अब तो सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत डर गया था। कोई बात नहीं, अब तो सिचुएशन ओके है ना? रजनी तूने वंदना को बताया था ना? यार भूल गया। हेलो वंदना, तुम्हारी भाभी को लेबर पेन शुरू हो गया था, उन्हें चेतना हॉस्पिटल लेकर आए, जल्दी आ जाओ। क्या बात कर रहे हो, अब भाभी कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं। ठीक है। भाभी ये बिल्कुल आप पर ही गई है। ओ मेरा बेबी, वो लड़का कहाँ चला गया? हाँ उसी ने हमें बचाया, अगर वो टाइम पर नहीं आया होता तो शायद आज हम दोनों जिंदा नहीं होते।
जाओ उस फरिश्ते को अंदर ले आओ। अरे उसकी भाभी बच्चा दे रही है, ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं? ए, यही अच्छा टाइम है, जाके उसको प्रपोज कर दे। तुम लड़कियां प्रपोज भी कितनी आसानी से कर देती हो, और हम लड़के हाथ का पकड़े यही सोचने में कई हफ्ते निकाल देते हैं। मेरे बुद्धू, I love you. I love you too. ओह, बेबी बिल्कुल भाभी पर गई है। अच्छा भाभी ने तुम्हें बुलाया है, चलो। अबे कार बीच सिग्नल पर छोड़ दी है, उसको ठीक से पार्क तो कर। मैं तेरा गाड़ी लगा के आता हूँ। चल, तेरी वजह से मैं गाली सुन रहा हाँ पापा बोलो। ए, तेरी शादी नहीं हो रही तो क्या मुझे दूसरों की शादी पे भी नहीं जाने देगा? अरे तो कौन रोक रहा है, जाओ ना। अरे कार तेरे पास है, जल्दी लेके आ। 5 मिनट के अंदर कार आपके सामने होगी। 5 घंटे पहले भी यही बोला था तूने निकम्मे, तू फिर से भूल जाएगा। घर पहुंचने तक फोन काटना मत। बेटा वो अजय के पापा का फोन है, इस बारे में काफी सोचा, लड़का अच्छा है, मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। अब देखो कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचना। पापा। हाँ बोलो। वंदना किसी और से प्यार करती है। किसे प्यार करती है? दरअसल वो वही लड़का है जिसने हमें उस रात सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया था। वंदना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको याद है वो लड़का जिसने वंदना के स्टूडेंट को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई थी? हाँ पता। ये वही लड़का है। ओह वही लड़का है क्या? पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, He's a nice guy. ऐसा दामाद मिले तो खुद को मैं लकी समझूंगा। एक काम करो, उससे कहो सीधे घर आकर मुझसे मिले। थैंक यू पापा। You're welcome. थैंक यू भाभी। कल ही आप दोनों से उसे मिलवा दूंगी। हाँ हाँ, अच्छे काम में देरी कैसी? हेलो डार्लिंग, आई लव यू। अरे रात में भी लव, सुबह में भी लव, ये लव का ओवरफ्लो किस खुशी में? अरे मेरी शादी पक्की हो रही है तो खुशी तो होगी ना। क्या तुम्हारी शादी पक्की हो रही है? हाँ हो रही है। अकाउंट मेरे बैंक में खुलवाया और चेक किसी और का पास हो रहा है? यार तुम ना लल्लू हो, मेरे दूल्हे तुम हो। ओह मेरा ही अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है। सही कहा, मैंने पापा से बात कर ली है और पता है वो राजी भी हो गए हैं। अच्छा फिर? तुमसे मिलना चाहते हैं। घंटों तक मिलेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय बाय। प्रेम होगी, मने प्रेम होगी, प्रेम प्रेम प्रेम। कैसे भगाएगी इसे, कैसे निकालेगी इसे? आदिवासी जंगलियों की तरह हिनहिना क्यों रहे हो? बस करो। मतलब भूत का असर नहीं है क्या? भूत का नहीं प्यार का असर है, एक परी को मुझसे प्यार हो गया है। परी का? माँ अपने पति को बोल दो कि कमर की अच्छी तरह मालिश करवा ले, मेरी बारात में ना बहुत ठुमके लगाने हैं। क्या कहा था इन्होंने माँ? मैं डिफेक्टेड पीस हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं देगा, काम वाली बाई भी मुझसे शादी करना नहीं चाहेगी। कुदरत ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक लड़की मुझसे शादी करने को बेताब है। जल्दी लेकर आओ। हाँ ऐसा ही गरीबों वाला मुंह बना के रखना, क्या है कि गंदा मुंह जहाँ पर होना वहाँ नजर नहीं लगती है। मेरे होने वाले ससुर आने वाले हैं, स्वाग से स्वागत करना। ए, रेडियो का कान खींच के वॉल्यूम कम कर। क्यों सर, पसंद नहीं आया? अरे मैं भूल जाऊंगा क्यों आया, वॉल्यूम कम करना। पूरी कायनात मेरा ध्यान भटकाने पर लगी है, पर चाहे समंदर सूख जाए, रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए, मेरा ध्यान हटने वाला नहीं है। वंदना के डैडी से मिलकर आऊंगा। सुनिए भाई साहब, मेरी बेटी को संभालेंगे, मैं बस पानी लेकर आया। पैदा किया उसको बोलो। भाई साहब बस एक ही मिनट में आ जाऊंगी। तुम्हारे एक मिनट के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे नल सामने ही है। अरे सामने तो समंदर भी, उसी से भर लो। हार्ड में जा बेटा, अंकल को छोड़ना नहीं, मैं अभी आई। अरे ए, दीदी मैम साहब। हाँ बेल मुझे मार। याद रख ससुर आएगा, ससुर आएगा, ससुर आएगा, ससुर आएगा। मुंह पर ही भुरभुरी छोड़ रही है, जरा दूर बैठो बेटा। हाँ
ध्यान भटकने नहीं दूंगा। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे ये तो वही खड़ूस है, इसने मुझे देख लिया तो फिर से हंगामा खड़ा कर देगा। उए, उए, ससुर जी मरी क्यों? रुको, क्या बेटा स्विमिंग करने जा रही हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मेरी बच्ची। क्यों बहन, ये आपकी बेटी है? हाँ, बड़ी लापरवाह है। मेरी बेटी है। ऐसे छोड़ता है कोई अपने बच्चों को? चूरे, तुझे बोला था बेटी का ध्यान रखने, तूने डूबने के लिए छोड़ दिया। आदमी है कि जान में। तुमने बच्ची का ध्यान रखने को कहा? क्यों भाई, बड़ों के साथ ऐसा करते हो? कोई बात नहीं, इस मासूम को भी ऐसे ही छोड़ दिया। अंकल, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वक्त रहते जान गया, नसीब अच्छे थे मेरे। ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है, वरना तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती और इसकी जगह आज मेरी नातिन होती। ये भुलक्कड़ों का बहुत बड़ा बादशाह है, माइंड डाइवर्जन का आइकॉन है। नहीं 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 नहीं, यूथ आइकॉन। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? अच्छा हुआ आपने अपनी बेटी की शादी इस भुलक्कड़ के साथ नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मेरी बेटी, अपनी बेटी का ख्याल होता। इनकी बातों का कुछ असर हुआ कि नहीं तुम पर? अरे तुम तो भुलक्कड़ हो, भूल गए होगे ना? सब भूल जाओ और मस्त रहो। जिस उपभोक्ता को आपने फोन किया उसकी लगी पड़ी है, कुछ सालों के लिए लाइन पे बने रहें या अगले जन्म का इंतजार करें? बरेली के ठुमके मारने वाले फौज में क्यों बैठे काका? माँ इनसे कहो अब ये नौटंकी बंद करें। मैं नौटंकी कर रहा हूँ और तू जो रोज रोज करता है उसका क्या? हमारी जिंदगी को कॉमेडी सर्कस बना दिया। फिर रिवाइंड हो गए। ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते और पटर पटर चलने वाली जुबान, दोनों की किस्मत में लात खाना ही लिखा होता है। इधर पटर पटर जबान तो आपकी। आगे बोलो ने काका। अरे ये क्या बोलेंगे, इनको तो लगता है मैं जोकर हूँ। अरे सिर्फ इनको नहीं, पूरे शहर को लगता है। ये ना रास्कला। हे, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ कॉमेडी होती है, पर तेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी है। ए, एक काम कर, घर के बाद घर में रहेगी तू, काम वाली बाई से शादी कर। ससुर जी पाई लगू। सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो पोलो, जल्दी मुझे एक पोता दो। ए बाबी छोड़ दे, और तू जा बर्तनवान झाड़ू पोछा कर, लाइन मार रही मेरे बेटे पर। ओछा मारने वाली से पोता मांग रहे। देख बेटा, अगर ये हाथ से निकल गए तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, थोड़ा सा मेकअप लगाएगी तो चमक जाएगी। 5 किलो लगाना पड़ेगा। ए चुप रे, दीपिका पादुकोण लगेगी, पीछे से कमर की लचक तो देखो। चाचा इतनी अच्छी लगती है तो आप ही शादी कर लो, फिर रोज कमर की लचक देखते रहना। सब ठरकी हैं। ए तू चुप कर, अच्छे से लाइन मार, एक दिन तेरी हो जाएगी। ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। आप ही मुझे समझती है माँ, बस एक दिन की छूट दे दो, 3-4 खंबे कटक जाऊंगा ना, पूरा फ्यूचर साफ दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन तू लिमिट में पीना। हाँ क्या है ना, ज्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। ए नीचे देख बेवड़े, तू कितना भी प्लान बना ले, वादा करता हूँ अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगा। तू पीना। अबे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ले कोशिश। आजा आजा। अबे तू क्या करेगा, अबे ऐसे ही भागता रहेगा मेरे पीछे पीछे, मुझे पकड़ नहीं पाएगा तू। चल जमुरे, गायब हो रहा हूँ मैं। बस अगर मुझे फिर से मारा तो क्या, मैं रो पड़ूंगा। क्या बात है, बेवकूफ, जब देखो मुंह उठा के चलाता है। पता नहीं पापा इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्या आफत है। हेलो डार्लिंग, क्या चल रहा है? बेबी तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं तो, पर तुम इतनी उखड़ी हुई क्यों? तुम वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ तुम पापा से मिलकर हमारे रिश्ते की बात करो। अगर उसी दिन आ जाते ना तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी होती। छोड़ो, आ जाओ और उनसे मिल लो। अगर मैं मिलने आ गया तो वो हम दोनों का मिलना बंद करवा देंगे। क्या क्या बोले? कुछ नहीं। अच्छा बताओ कब, कहाँ, किस तरह, उस तरह कैसे मिलना है? ओके एक मिनट था।
पापा रजनी लाइन पर है, बताइए वो आपसे कब मिल सकता है। पहले कंफर्म कर लो आएगा या नहीं, पिछली बार भी अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था। मुंह तो उस दिन वो सोशल सर्विस में बिजी हो गया था ना, एक बार चांस तो दीजिए, टाइम से पहले आ जाएगा वो। ठीक है, उसे कहो कि पार्क में आ जाए, हम वहीं मिलेंगे। ओके, एक घंटे बाद पार्क में पहुंच जाना, प्लीज इस बार डिसअपॉइंट मत करना माय स्वीट हनी। बाय बाय। फिर उस कड़वे करेले से मिलना पड़ेगा। ले भाई चक के देख, मूड अच्छा जाए। इतनी बदबू क्यों आ रही है इसमें से? अरे भाई इसमें मैंने गोबर मिलाया है, डायनासोर का, कुकड़े का और अपना वॉचमैन का, नहीं नहीं वॉचमैन के ब्लैक एंड व्हाइट बकरी का, सबको मिक्स किया है इसमें। सूरजमुखी के 32 बीज डाले, 32 दांत से चबाना। कौन था अंकल? हाँ रजनी, बहुत अच्छा लड़का है। ओ आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। वंदना उससे बहुत प्यार करती है। अगर वंदना की चॉइस है तो जरूर अच्छी होगी। अंकल इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी उससे मिलने के लिए आपके साथ चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, खाना खा लो फिर चलते हैं। ए भाई उस फोन के बाद तेरे मूड के 12 बज गए हैं, सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, उसका बाप मिलने आ रहा है मुझसे। तो कर ले मधुर मिलन। वो तो कर चुका हूँ, तभी तो वो जानता है कि मैं कौन से लेवल का भुलक्कड़ हूँ। उससे मिला तो कंफर्म शादी कैंसिल कर देगा। तो हीरोइन भूल जा। अरे नहीं मिला तो वंदना कैंसिल कर देगी। ये पनौती। अरे कैसे दोस्तों, कुछ तो आइडिया दो। अरे भाई क्या दिमाग का पंचर कर रहा है, बॉलीवुड से कुछ तो सीख। किसी ढीले नमूने को उनके पास ले जा और बोल कि ये तू है, सस्ता सुंदर टिकाऊ बैंकॉक मकाऊ। बेस्ट डील ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला। जो बग के पाबंद नहीं होते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। देखो कब से बैठे हम। ए भाई धीरे चला ना भाई। यार उसे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। इतने फास्ट तो हमेशा के लिए लेट जाएंगे। अंकल आप अपसेट लग रहे हैं, मैं ड्राइव करूं? हाँ ठीक। वो रहा मेरा ससुर। किधर है, कौन है? अरे कहाँ जा रहा है, तू ही तो रजनी है। भाई तो उनका चेहरा क्यों नहीं भूला? जा और जाकर छाजा मेरे शेर में। नहा कर नहीं आया हूं। ए चाय हो ससुर जी। अरे क्या कर रहे हो, मेरी टांग क्यों खींच रहे हो भाई? टांग आई एम रजनी। ओ रजनी कहाँ अटक गए? वो आजकल है ना गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरी बाइक है ना वो गैस पे चलती है और गैस पता नहीं किस पे चलता है, तो उसी धरपकड़ में मेरी गैस छूट गई और ट्रेजेडी हो गई। आई डोंट बिलीव वंदना का टेस्ट इतना खराब है। ए बका अपना अपना टेस्ट है, तुझे सनी लियोनी पसंद, मुझे सनी देओल, दोनों होली दिवाली में सुपर हिट। अंकल कौन थे, मतलब कौन है भाई? अच्छा ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेरे दोस्त के बेटे। अच्छा हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर है। लीकेज के बाद हाथ नहीं धोया है। इट्स ओके, चलो अब तक तो सब सही चल रहा है। ऊपर वाले बचा ले। क्या करते हो यार, जमीन को चाटने की चीज है। उठो, ध्यान से चलाना चाहिए ना, टेम्पो में ले जाने वाला सामान गधे की तरह ढो रहे हो। मदद लेने का भी बजट नहीं है क्या? कुछ गरीब की भला कौन मदद करेगा? अरे मेरा दिल सोने की खदान है, गोल्ड माइन। अच्छा, बैठो बैठो। वैसे साथ में कौन कौन है? ओनली वन पीस। अरे बेवकूफ, फैमिली में कौन कौन है? अरे वो हमारे डैड क्या करते हैं, मॉम क्या करती है, तुम क्या करते हो, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, मंथली इनकम कितना है, ये सब पूछने की जरूरत है। क्यों तुम दोनों मुझे लोन दे रहे हो? नहीं नहीं आपको नहीं, ये भाई म्युनिसिपैलिटी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहे हैं। एक ही पापा एक ही मम्मी, डैड इज हाउस वाइफ। क्या तुम्हारे डैड हाउस वाइफ है? आपने डैड सुना क्या? अरे मम्मी हाउस वाइफ है, आपने गलत सुना, मेरे पापा बिजनेसमैन है। क्या नमूना है अंकल, ज्योग्राफी का सवाल है हिस्ट्री का आंसर दे रहा है, इसकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी वंदना के साथ। अंकल इस नमूने को डिलीट कर दो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अरे वो मर जाएगा, आत्महत्या। किसकी बात कर रहा है? माय फादर, उनको अटैक आ जाएगा। इतना कमजोर दिल है उनका? तेरे बाप का लोखंड का है। ए, क्या है अंकल? अंकल वंदना की मैं पूजा करता हूँ, प्रसाद में दे दो। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर तू सड़ा हुआ बैंगन दिखता है। वंदना को फोटो किसका दिखाया था? मेरा फोटो था, मैं उसे प्यार करता हूँ, मेरा फेफड़ा देख ले, सड़ा हुआ बैंगन बोलता है। हेलो पापा। हेलो, हाँ हाँ रजनी के साथ ही बैठे हैं, उससे बात कराना। हाँ बेटा देता हूँ। हाँ। अरे अंकल किसी भी अजनबी से बात मत कराओ, किडनैप करेगा तो। अरे मेरी बेटी वंदना है, बात करो। अरे अंकल अभी बात करेंगे तो वो काम में डिस्टर्ब होगी ना, वो बर्तन धो रही होगी, झाड़ू पोछा कर रही होगी, कपड़े धो रही होगी, कपड़े सुखाने रह गए तो। अरे वो कपड़े बर्तन क्यों धोने लगी? मेरे घर में मैं ही धोता हूँ ना। वो तुमसे बात करना चाहती है, बात कर लो, बुरा मान जाएगी। वंदु जानू आई लव यू बोलना है, खोपचे में जाके बोलता हूँ। हेलो, आई मेट योर पिताश्री, वो थोड़े गुंडे जैसे लगते हैं और उनके साथ एक भोजपुरी का विलन भी है। हे तुम कौन हो? ए, ए, बंदू तू मेरी बंदू। कौन बंदू, क्या कर रहे हो? आवाज कटी भाई। हेलो, स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये क्या चक्कर है और ये फोन पर कौन था? इतना बाजार लायो, लगता है भाभी बहुत अच्छा खाना पकाती है। घर चलो चखाता हूँ।
हेलो डार्लिंग। ए, पापा के सामने मुझे डार्लिंग कह रहे हो? पापा के सामने? और ये फोन पर कौन था? अजीब बातें कर रहा था। सब ठीक तो चल रहा है ना? याद है, एक मिनट करता हूँ। हे भाई, जरा साइड में लगा। ये घर चल के चक्कर में मेरा घर उजड़ जाएगा। वाकई होनहार था, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जानता है उसने क्या क्या आविष्कार किया है? बैल का बनियान है। चुप कर टेस्ट ट्यूब बेबी, या मेरी जान सूख रही है। करण फोन नहीं उठा रहा है। अबे तू दोस्त है या दम घोटू है? दम घोटिया तो अब तक जिंदा कैसे है तू? तू सोच बंद रख। चमन, हुआ क्या है? तेरी भाभी की शादी हो गई। क्या बात कर रहा है? सॉरी यार, तेरी शादी में नहीं आ पाए हम लोग। शादी हो गई तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाके स्वागत मना। अबे तेरी भाभी की शादी मुझसे नहीं हुई है, दूध वाला दूध देने आया था उसे ले गया। दूध का बिल नहीं भरा था क्या? तेरी वजह से हुआ है। बाहर में चमन का फूल खिलाने के लिए उसे रजिस्टर ऑफिस ले गया। सोचा तो तुम लोग गवाही देने आओगे, अपना अंगूठा लगाओगे, लेकिन तुम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। शादी करने के लिए वो इतनी बेताब हो चुकी थी कि मुझे छोड़ के दूध वाले के साथ भाग गई। सॉरी यार, तू बता इस वक्त कहाँ उठा के ले आएंगे? अब तक तो बत्तियां बुझ गई होंगी, दूध पीने के बाद नींद जो आती है। अरे वैसे ही इतनी गंदी शक्ल है, रोके और गंदी मत बना। चल हंस दे, हंस दे, हंस दे, हंस दे। मेरा दोस्त हंसेगा। एंजॉय, पार्टी करो, हंसो, हंसो, दोस्त को मरवाओ। अरे तू कहाँ मर गया था? ना चिट्ठी ना कोई संदेश, अबे मैसेज तो करता। अरे तो भूल गया था कि मैं तू बन के गया हूँ। फ्लैशबैक देख। अंकल, आप घर जाइए, मैं दूल्हे को डेट पर ले जाना। ए भाई, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, किसी और को पकड़ ले। अरे तू किस टाइप का है ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा ना। ए, अंकल भाई, आप जाइए, मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। अंकल, ए तू जानता नहीं मैं किस टाइप का पुलिस वाला हूँ। पता चल रहा है। अगर फायदे में रहना चाहता है तो कायदे में रहे, अगर होशियारी की ना तो टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। कुत्ते नहीं, डॉगी बोलने का। I'm ready, let's date. वो मुझे इधर से 50 किलोमीटर दूर ले गया। उसकी खटा रस्मों में मेरी बोटी टार टार हो गई। फिर चाय की टपरी पे आया, मुझे लगा चाय पिलाएगा, वो भी अदरक वाली, पर उधर चाय नहीं खजूर का छिलका आया। सर, ये सिग्नल तोड़ के भाग रहा था। हम कौनो सिग्नल नहीं तोड़े सर, हम तो पैदल सिग्नल क्रॉस किए रहे। ए, हेलमेट नहीं पहना ऊपर से सिग्नल तोड़ता है। अरे पैदल चल रहे थे, हेलमेट गायब। मुझसे झूठ बोलता, मुझसे झूठ बोलेगा। शक्ल पे 12 बजे और मजनू बनने चला है। श्याणे, ये मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा ही रूल चलता है। चलिए हेलमेट खरीद लेंगे सर, छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, मेरे लिए सब एक बराबर है और मैं कभी माफ नहीं करता। मार मार के हड्डी तोड़ देता हूँ। समझ गया। अरे क्या समझा, अभी समझा, आधे घंटे बाद याददाश्त पे सुनामी आएगी। अरे वो झिंगुर घोड़ी चढ़ने तैयार है और तेरे लिए गधे का भी ठिकाना नहीं है। एक काम कर, हीरोइन को भूल जा। 100 बात की एक बात, आज मैंने सर से पैर तक अनुभव किया है। उस झिंगुर के रहते अंगूर नहीं मिलेंगे। अंगूर क्या, अखरोट भी मिलेंगे। ससुर को लोहे के चने ना चबा दिए तो मेरा नाम भी भूल गया हूँ, बाद में बताऊंगा। मुद्दे पे आते हैं, उसकी बेटी का शौहर, पति, हस्बैंड, दूल्हा मैं ही बनूंगा। देखा, कुछ भी हो जाए ये कॉमेडी करना बंद नहीं करेगा। डायलॉग्स तेरे को हल्के लगे? और नहीं तो क्या। तो अब भारी डायलॉग सुन, जो डर गया आगे का बाद में बोलूंगा। अरे तू भूल जाएगा, अभी बता। अरे छोड़, मैं नहीं खेल रहा, ये चीटिंग करता है भाई। वंदना, तुम्हारे फोन पर रजनी का फोन आ रहा है। हाँ बोलो बेटा। जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वो किसी और कॉल पर मस्त है, कृपया दूसरों का फोन बिना पूछे ना उठाया करें। कॉल तो उसका आया था, कमाल है, लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। कहाँ थी तुम बेटा? बेटा मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, वो आयुर्वेदिक वाला बाम लगा दो प्लीज। देखो बेटा वहीं पड़ा हुआ है, वो जो मेरा शेल्फ है ना उसमें देखो। अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। अरे हाँ, रजनी का फोन आया था बेटा। तुमने फोन किया था? ऐसे छुपके क्यों आए तुम? पता है पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वैसे ऐसे क्या जलवे दिखाए जो वो इतने इंप्रेस हो गए? छी, उन्हें वो गधा पसंद आया? तुम्हारे पापा को क्वालिटी की कोई पहचान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम उन पर नहीं गई हो, वरना मुझ जैसा हीरा खो देती। रात को पी के आए हो क्या? पापा को सच में तुम अच्छे लगे। सच कह रही हो? अच्छा लगा। हाँ।
उसकी तारीफ मेरी तारीफ उसके लिए हाँ, तो मेरे लिए हाँ, समझ गया। ए हेलो। नहीं वो मैं सोच रहा था कि मैं कितना खुश नसीब लड़का हूँ जो तुम जैसी बला की खूबसूरत लड़की मिली। वैसे तुम में कुछ तो बात है, टॉल एंड हैंडसम, ह्यूमरस भी हो, हीरो जैसी बॉडी, दमदार आवाज, और क्या चाहिए। एक्सटीरियर सही है, बस इंटीरियर हिला हुआ है। क्या मेरा सिक्स पैक ऊपर नीचे हिला हुआ है? सिक्स पैक? वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? क्या देना चाहते हो? जो भी तुम लेना चाहो। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मैं यहाँ पर क्यों आया? याद आया, मेरा दोस्त है वो तुम्हारे पापा के यहाँ असिस्टेंट की जॉब करना चाहता है। तुम इसे फरमान समझ के, एहसान समझ के या दान समझ के बस मेरा ये काम कर दो। उसके पापी पेट का सवाल है, प्लीज। अच्छा? ध्यान से हैं, प्लीज काम कर देना, भूलना मत। ओके बाय, लव यू। अभी मैंने उसे 2 दिन पहले ही अप्रूव किया है और सिफारिश करना भी शुरू कर दी। अरे मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं। पापा वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, रजनी ने कहा है, प्लीज। ठीक है, उसे कल बुला लेना। थैंक यू। कमाल है, 2 दिन के प्यार के लिए सगे बाप को भूल गई। यस, थैंक यू डार्लिंग। इसीलिए आए थे ना तुम? नहीं, शर्म आ रही है। एक और ले ली। ए रजनी। क्या हुआ, ब्रेक मारना भी भूल गया? एक बार और झूठ बोला तो तुझे खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे ये सबको गाल देता है। एक बार जो मैंने कदम बढ़ा दिया, फिर सामने गटर भी आ जाए तो भी नहीं रुकता। रात को बहुबलि देखकर आया है क्या? अचानक तो योद्धा कैसे बन गया? अपना इंजन गरम कर रहा हूं। चल, मेरी बलि भी चढ़ाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसको काम चाहिए, वन्ना से बात की थी ना, इसी के तो सिफारिश की थी। अगर तुमने इसके लिए सिफारिश की है तो ले जाओ इसे यहाँ से। क्या? अगर 1 मिनट और रुका तो इसके मुंह में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे मार दूंगा। ये यहाँ दिखना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। पौधे को तबाह करने वाला फंगस है ये, 1 नंबर का अनाड़ी है। मेरा नौकर इससे ज्यादा समझदार है। गेट लॉस्ट। ओके चलो सर, मैं आपका दामाद बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो असिस्टेंट बनने आया हूँ ना, और आपकी बेटी के साथ शादी करके घर बसाने भी बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी लाइफ सेट करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि गुस्से की जो वजह है, मैं उस वजह से यहाँ पर आया ही नहीं हूँ। किसकी बात कर रहा है? इसकी बेटी की शादी की। अच्छा, तो कर मैं ही हूँ। कंटिन्यू। हे चमन, गोल खिलाना है, बाद में फोन कर। नहीं 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 नहीं, मुंह पे बेइज्जती। सर काम पे रखने से पहले फुल एंड फाइनल टेस्ट ले लीजिए। आप कॉफी शॉप पे वेट कीजिए और देखिए मैं आता हूँ या नहीं। फोन उठा, बात कर। सर आप कह रहे हैं इसलिए उठा रहा हूँ। हाँ पहले बात कर। क्या समय से भी कीमती इंसान के सामने खड़ा हूँ मैं, जो भी तुझे बकना है जल्दी बक डाल। रजनी ऐसी लड़की मिली है, इसके आगे रसगुल्ला फेल है। अरे काले गुलाब जामुन का रसगुल्ला मिल गया। अच्छा अच्छा, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, कोने में जाके बात करेगा। सुबह का भुला है, शाम को 6:30 बजे आ जाएगा। अरे रुकिए, अरे ससुर जी मेरी बात तो सुनिए, रुकिए रुकिए। अरे कहाँ जा रहे? अरे अरे रजनी नहीं मिलेगी तेरे को, सजनी वो देख गए तेरे ससुर। ससुर जी, सर 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 मेरी बात सुनिए, आपने बोला था फोन उठाने के लिए, मैं कहाँ उठा रहा था, प्लीज एक और मौका दे दीजिए प्लीज। चलो सर सर सर, बात सुनिए सर। करण को सिलेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट किया, बेटी गले लगाती है और बाप लात मारता है, आखिर मुझे समझ के क्या रखा है? गधेड़ो, सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट। स्कूल में क्लास चले या बार में ग्लास चल के मेरी तो इंसल्ट हुई। अरे भाई इधर से वो नहीं सुनेगी। अच्छा तो फिर पास जाकर दुखड़ा सुना दे। ठीक है चलो। तुम्हारे पप्पा खुद का समझते क्या? इतने गुस्से में क्यों हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? रोज भूल जाता है ना, आज गुस्से में याद रखा है। यू डोंट डाइवर्ट भाई, चालू रखो चालू रखो। नौकरी के पहले दिन निकालता है कोई? थोड़ा स्टाइल का तड़का लगा। नौकरी के पहले दिन ही कोई निकालता है क्या? कुछ ज्यादा ही जोश में। मजदूर यूनियन इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। शक्ल अच्छी ना हो तो कोई नौकरी से निकलता है? जानते हुए कि ये मेरा दोस्त है फिर भी इसकी बेइज्जती की। क्या क्या कहा, निकम्मा आवारा काम चोर चिंदी चोर। बेचारे की आंखें भर आई थी मालूम, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। आज की इस हरकत की वजह से मेरे ससुर मेरी नजरों में गिर चुके हैं।
ये भी हो सकता है कि उनका ईगो हर्ट हो गया। अच्छा, उनके ईगो की पड़ी है, मेरे ईगो का क्या? सुन बका, छोड़, इसको और मस का मत लगा। इधर नौकरी ना मिले कोई बात नहीं, हमें छोकरी भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मतलब दोनों चाहिए, लेकिन ससुर जी ने निकाल दिया ना तो हम शहर से निकल जाते हैं। एक बात सुन लो, या तो हमारा बच्चा तुम्हारे पापा का नाती बनेगा या सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का पोता बनेगा। सोच लो, समझ लो, फैसला कर लो। ये लास्ट डायलॉग। बैकअप। हेलो हेलो, स्लो मोशन। आपको रजनी पसंद नहीं था तो सीधा मुझे बता देना चाहिए था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को आपके पास लेकर आया और सारे वर्कर्स के सामने आपने उसकी इंसल्ट करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन मैंने उसे तो कुछ भी नहीं कहा। उसके फ्रेंड को उसके सामने डांटोगे तो वो भी तो इंसल्ट ही होगी ना। उसे रजनी का फ्रेंड कहकर रजनी की इंसल्ट मत करो। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे रिश्ते के लिए एक लड़के से मिलने गया था जो एक नंबर का भुलक्कड़ था। ये वही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ नहीं, भुलक्कड़ों का बहुत बड़ा बादशाह है ये। पापा, आप उसे जॉब देंगे या नहीं? अगर नहीं देनी है तो साफ साफ बता दीजिए, बहाने मत लगाइए। तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। आप ही तो मेरे प्यार को कहां समझ रहे हैं। बेटा, उसने भुलक्कड़पन में पीएचडी कर रखी है। उस ब्रेनलेस फेलो को आसपास भी रखा तो मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या बात है पापा, आप बस अपनी खुशी की परवाह कीजिए। मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो चलेगा ना? उसने कहा वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चाहते वक्त मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। याद है भाभी, उसी ने आपको बचाया था। पापा, आप अपना प्रॉमिस भी नहीं रख पाए। बेटा रो मत प्लीज, कहना कल से फार्म पे आ जाए। जब इस धरती ने उसे बर्दाश्त कर लिया तो मेरी क्या औकात है, मैनेज कर लूंगा। ये सब एक तरफ ही रखा। गुड मॉर्निंग सर। आ गई आफत, इस फार्म का सत्यानाश होने वाला है। ए, इन पौधों को दवाई देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मुरझा जाएंगे। ठीक है। हड़ी हड़ी तुझे भी मुझ पर तरस आ रहा है। वाह, आपकी बिल्ली आपकी हर बात समझ रही है। नाम क्या है इसका? क्या? अरे कुत्रो छी। बिल्ली का नाम कुत्रो रखा है, बड़ा अच्छा नाम है। अरे डॉगी बका डॉगी। तुम होने वाले दामाद हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है। उससे भी बड़ी बात, दोनों का ही नाम रजनी है। इससे एक बात तो साफ है, ऊपर वाला गुस्से में है और मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। थैंक यू सर। कमाल करते हो यार, तुम पर इतना तंज कस रहा हूँ, तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, फिर भी अपना मुंह उठाए मेरे सामने चले। दिमाग का विकास नहीं हुआ, सिर्फ कद का विकास हुआ। मुझे लगता है ये आपके पिछले जन्म का पाप है, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मरते दम तक? ऊपर से ये रिंगटोन। बका फोन मत उठाना वरना हम दोनों उठ जाएंगे। मत उठाना। सर मैं कह रहा था कि रजनी, इस पे जब भी फोन आते मेरी वाट लग जाती है। सिंपल, छोड़। अब ना फोन बजेगा ना वाट लगेगी। कोई भी फोन नहीं उठा पाऊंगा। एक भी नहीं। थैंक यू। मेंशन नॉट। तुम जाओ बेटा। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, भुलक्कड़ होने के बावजूद 24/7 इतने खुश कैसे रह लेते हो? सर बहुत आसान है, जीने के लिए जिंदगी, कमाने के लिए नौकरी और बांटने के लिए प्यार। खुश रहने के लिए ये तीन चीजें काफी हैं सर। व्हाट्सएप पे पढ़ा ना। ये बात तो सही है। वंदना यहाँ आओ बेटा। वंदना उधर। सरप्राइज था ये, मैंने आने को कहा था। सरप्राइज देने है सदमा। क्या हुआ, तुम्हें झटका क्यों लग रहा? झटका तो इसे लगना चाहिए। झटका का लगा लगा। देखा लगा। दोनों ही पागल हैं। आओ बेटा। हाय। इस अनफिट कैंडिडेट को रख लिया, अब तो खुश हो ना? मुझसे नहीं, इनसे पूछिए पापा, आर यू हैप्पी? हाँ बहुत ही। तब बोलना भाई। हैप्पी हैप्पी, हम दोनों जोर से हैप्पी। आप कितने अच्छे हैं, आपने हम दोनों की गलतियों को भुला दिया, गुस्से को सुला दिया, हम दोनों को खुशियों से मिला दिया। ये क्या चल रहा है, तुम दोनों डुएट में बड़बड़ा क्यों रहे हो? हाँ वही तो, हम डर गए थे, डर के मारे मर गए थे, दिमाग में ताला और दिल जल के काला होने लगा था। शुक्र है आपने माला माल कर दिया, अब डॉलर, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब खरीद लेंगे, वो भी EMI पे। हाँ, लोन लेके लेंगे। दोनों एक ही है, हम भी तो एक है। जॉब मिलने से पहले हमने प्लान कर लिया था। पागल हो जाऊंगा। ठीक है चलता हूँ दामाद जी। ये तुम दोनों एक साथ मुंडी क्यों हिला रहे? दोनों के पास मुंडी है इसलिए हिला लेते हैं। लगता है इसकी सोबत का असर तुम पर भी होने लगा। हो गया। सर इसकी भैंस बीमार है, उसे लवेरिया हो गया है, कल्लू पहलवान के तबेले ले जाना जरूरी है, जरूरी तो हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो चलो। क्या हुआ? आशीर्वाद। नेक्स्ट टाइम डायलॉग मैं लिखूंगा, नो चीटिंग। मुझे याद रहने चाहिए ना। गायत्री, तुम्हारे मम्मी पापा आए बेटा। आइए आइए, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी कैसी हो बेटा? लादे से। कितनी प्यारी है। कितनी प्यारी है। इन्हीं की जिद थी, यूरोप की फ्री ट्रिप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, सबको ले गए इसलिए तुम्हारी डिलीवरी के लिए नहीं आए। सॉरी बेटा। जो भी हो आ तो गए है ना, और तुम नादी को प्यार करो, मुझे क्या डांट रही हो? कोई बात नहीं पापा,
बेटा वंदना, सुना है तुम्हें कोई पसंद आ गया है? अकेले अकेले मिलने से काम नहीं चलेगा, हमें भी तो मिलाओ। उसका नाम सुनते ही देखो कैसे शर्म आ गई। और हमारी मिसेस देखो बेशर्म। आप ना अपने खाने पे ध्यान दो। कल तो बच्चे के नामकरण की पूजा होगी ना, तो आप उन्हें भी इनवाइट कर लो, हम भी उनसे मिलेंगे। पापा, भाभी सही कह रही है, कल फंक्शन में उनकी फैमिली को भी बुलाते हैं, इस मौके पर सगाई के बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ जरूर। मिस्टर रामनाथन, दरवाजे पे कोई आया है, देखो कौन है। रजनी, बाहर सत्यमूर्ति खड़ा है। सत्यमूर्ति कौन? अबे तेरा होने वाला ससुर। जाओ, क्या लेने आया है? अबे वो मुझसे पूछ के थोड़ी आया है। जाओ, उसे किसी तरह संभालो। मैं जाऊँ? अरे जाओ ना। ठीक है। अब क्या है? अबे वो जानता है कि मैं तेरा बाप हूँ, सबसे पहले मैं ही तेरा रिश्ता लेके गया था। मम्मी, बेटा कुछ बातचीत करके उसे यहाँ से भगाओ ना। मैं क्या बात करूंगी रे? अरे आप एक्टिंग में माहिर है, चलो ना। अबे ये बहुत ओवर एक्टिंग करती है। आपसे तो कमी करती है, चलिए। अबे रुक रही है, अबे मेरा टॉलिए समझिए। नमस्ते जी। हाँ, आइए ना, अपना ही घर समझिए। जी। आंटी, रजनी दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरे हस्बैंड का शक्कर 2 किलो बढ़ गया है ना, इसलिए रजनी उन्हें हॉस्पिटल ले गया है शक्कर कम करवाने के लिए। कोई बात नहीं, हम तब तक उनका वेट कर लेते हैं। क्यों बेटा? हाँ, आप दोनों सीटिए ना, मैं कॉफी लाती हूँ। सीट। अबे आखिर ये चक्कर क्या है? इस लड़की से प्यार करता है, इसके बाप के यहाँ नौकरी करता है, अब जब ये रिश्ता लेके आया है तो बाथरूम में आके छुप गया है, तो मुझे पागल कर देगा यार। यार, जान के भी क्या तीर मार लेंगे, क्या करना है पता होता तो मैं भी यहाँ थोड़ी छुपता। चुप बैठिए। फोन आया। बेटा जी, सवारी कहाँ चल दी? फोन बज रहा है, कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। इम्पोर्टेंट कॉल? ससुर जी बाहर बैठे हैं, उनको भी हेलो बोलो। बेटा उसका फोन तो यहीं रखा हुआ है। गरम कॉफी। थैंक यू। हेलो बेटा। आंटी, रजनी का फोन यही रखा है वो। अरे क्या बताऊं, वो एक नंबर का भुलक्कड़ है, कभी भी कुछ भी भूल जाता है। क्या कहा? मतलब दामाद जी भी भुलक्कड़ है? आप गलत समझ रहे हैं, वो पापा की शक्कर बढ़ गई है ना, इसलिए शायद जल्दबाजी में भूल गया होगा, वरना उसे सब याद रहता है। बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। कई दिनों बाद ऐसी खुशबू आ रही है, लगता है मम्मी ने कुछ स्पेशल पकाया। कुछ नहीं हो सकता तेरा। लगता है समधी जी और दामाद जी को आने में वक्त लगेगा। हाँ, शायद। एक्चुअली कल पोते के नामकरण का फंक्शन है और सभी रिश्तेदार दामाद जी से मिलना चाहते हैं। अगर आप लोग भी फंक्शन में आएंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर आएंगे हम लोग। ठीक है तो चलते हैं। चले बेटा। खुश रहो बेटी, रजनी ने वाकई चांद का टुकड़ा ढूंढा है। मुझे एक प्रॉमिस करोगी बेटा? चाहे आसमान फट जाए, बादल गिर जाए, लेकिन तुम इस घर की बहू जरूर बनोगी। अरे बिना इस सब के ही मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मैं मंदिर जाकर 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अच्छा, नमस्ते। चलो बेटा चलते हैं। नमस्ते। चले गए क्या? लगता है चले गए। कंफर्म चले गए? अबे बाथरूम से तो बाहर निकल। लक्ष्मी, मम्मी गए क्या वो लोग? लक्ष्मी। क्या चालू है तू? बनाया उल्लू। रजनी, चाहे तू चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, अब बस वंदना ही मेरी बहू बनेगी, बहुत प्यारी है। अरे बेटा, शायद मैं फोन अंदर ही भूला है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। पापा, इतना महंगा फोन कब लिया? अबे शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेरा फोन तूने अपने बेडरूम में चार्ज पे लगाया है। तो ये आधा खाया हुआ सेब किसका? दरअसल मैं अपना फोन। अरे क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पर देखने वाले को आती है। सर, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा था तो मैं डैडी को नहलाने यहाँ पर ले आया। आंटी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर नहाने आ जाना। आंटी, आंटी हूँ इसकी। ये
झोपड़पट्टी में रहते हैं, नहाने के लिए यहाँ आए हैं। पानी वालों ने इनके घर का कनेक्शन काट दिया। खड़े क्यों हैं? ओवर एक्टिंग की दुकान खोलिए ना। हेलो, हाय, जय माता दी। याद है बहुत पहले मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आया था, आज आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, एक ही बात है, ये भी इस घर के बेटे जैसे ही है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वैसे हमारी बहू को साथ लेके नहीं आए? भारी खड़ी अंदर आई तो पंगा हो जाएगा। सर अभी तो बाहर गए थे, फिर वापस अंदर क्यों आ गए? मैं यहाँ आया था, ये तुम्हें कैसे पता? आंटी, आंटी ने बताया था। मेरा फोन दो। कौन सा फोन? आपको देर तो नहीं हो रही? चलता हूँ। भैया सर आपको बुला रही है। आपको बुला रही हो भुलक्कड़ भैया? मुझे? हाँ, आपके फटे कपड़े सिल गए हैं, ऊपर जाकर पहन लीजिए। इज्जत उतरने के बाद कपड़े पहनने का क्या फायदा है ना सर? इन बेचारों को भी फंक्शन में ले आइएगा। हाँ जरूर सर, आ जाएंगे। आंटी अंकल का एड्रेस मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? और मुझे ईमेल करना। क्या है कि मैं मेल हूँ ना, इसलिए मुझे व्हाट्सएप से ज्यादा ईमेल पे भरोसा है। अच्छा तो मिलते हैं कल फंक्शन में। नमस्ते। बाल बाल बचे। अबे नालायक, तेरी शादी के चक्कर में हमारा डिवोर्स हो जाएगा। आज सबनी के सामने अंडरवियर में खड़ा कर दिया मुझे, अपनी ही पत्नी के मुंह से भैया सुनना पड़ा। अबे मैं तेरा बाप हूँ या मामा? अयो, ए, तू क्या अपनी ओवर एक्टिंग के चक्कर में पति को भैया बोल देगी? क्या करती, समधी के सामने भांडा फूट जाता तो? पति को भैया बोलेगी? अगर भैया बोल दिया तो क्या हुआ? ए, ये गलत तो है, गलत है, गलत है ये। ए, ए, सुकर, जा रहा से। पहले तो मेरी बैंड बजती थी, अब जूनियर आर्टिस्ट को भी घसीटा। तेरे जैसे दोस्त के रहते दुश्मन की क्या जरूरत? अगर उस पुलिस वाले काले बैंगन को पता चला ना तो हम सबका भरता बना देगा। पहली बार सही बोला ये। तो प्यार के चक्कर में आशिक के यार दोस्त तो हमेशा से ही पिटते आए हैं, इस बार पूरा परिवार भी पिटेगा। क्यों कर रहे हो ये? वाई वाई सवालों की बौछार मत करो, जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। ए जूनियर आर्टिस्ट, आज चाहे कुछ भी हो जाए, सामने से कोई कुछ भी पूछे, आप बस अपनी बत्ती सी दिखाते रहना। इतनी नहीं, थोड़ी सी कम। हाँ इतनी सही। और मुश्किल वक्त कमांडो सर। हाय 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 नमस्ते। पापा कब से पूछ रहे थे कि आप लोग अब तक नहीं आए? मामा? मामा। भैया अब गलत पोजीशन पे खड़े हैं। और आपकी क्या मजबूरी है, इतनी क्यों दूरी है? ये है मेरे इकलौते पापा। नमस्ते अंकल, आइए आइए, प्लीज कम। कैसा लगा? पापा रजनी के पापा। अरे समधी जी, आइए आइए। नमस्ते समधी जी, कैसे हैं आप? वो सुना था कि शुगर बढ़ गई थी आपकी। अच्छा पापा आप लोग बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। रजनी मेरी बाई आंख फड़क रही है। हमारे फैमिली मैंने देख लिया, लड़की ने चिमटी काटी ने लड़की बॉय, लेकिन अभी बैलेंस सीट टेली नहीं हुआ, जाके टेली कर लो। एक और बात, कबाब की हड्डी को साथ में लेके मत जाओ। थैंक यू। तुम किधर जा रहे हो भाई? अरे मुकेश ना, यही है हमारे होने वाले दामाद। असली अली बाबा ये है तो फिर लड़की ने उसको चिमटी क्यों काटी? अरे 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 क्या कर रहे हो तुम, कोई देख लेगा। तुमने भी मुझे सबके सामने क्यों छेड़ा, मुझे उकसाना चाहती हो क्या? मैं भी छेड़ू तुम्हें? अरे चुप ना, क्या कर रहे हो? अब जो शरारत तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये तो चौका मारने वाला है। मीठी मीठी सजा। प्लेट का है, मुझे भूख लगी है, मैं प्लेट ढूंढ रहा था। बैट्समैन ऑन स्ट्राइक वो है लेकिन चौका ये मार रहा था, थर्ड एम्पायर भी कंफ्यूज हो गया। वहां पर क्या देख कर आता हूँ? फियांसे तो वो है तो फन उसके साथ क्यों कर रही है, कुछ तो सॉलिड कंफ्यूजन है। कितनी प्यारी लग रही है। हम सबको लड़का बहुत पसंद आया, वंदना और इसकी जोड़ी सही लगेगी। हे हाँ सर, कौन है वो औरतें? सर ये सर, आप वंदना से शादी करना चाहते हैं, जिससे शादी होने वाली है वो वहाँ खड़ा है, तो फिर वो कौन है जो लड़कियों के साथ ठेंगा दिखा रहा है? मुंह में खाना डाल। अंकल वो कौन है? अच्छा वो दामाद जी का फ्रेंड है। एकदम सही कहा, है तो फ्रेंड लेकिन चिमटी उसको ही। मेरा मतलब है यहाँ ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि दूल्हा वही है। वैसे वो है कहाँ? ये सोमवार को खाना, ये मैं आज खाऊंगा, ये आप मंगलवार को खाना।
वहाँ देखो दूल्हा और समधी दोनों चिकन रोल के लिए लड़ रहे हैं। अभी दोनों में दंगल हो जाएगी। तुम्हारा जो बचेगा मैं खाऊंगा। अरे खाइए खाइए। अरे इतना भी नहीं पता, इसमें चीज है, इसमें बटर है, इसमें कचौरी है। वो तो ठीक है, लेकिन आपका दोस्त वहाँ क्या कर रहा है? फोटो शूट कर रहे हैं। तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन लोगों को लग रहा है वही दूल्हा है। अरे दूल्हा वही है तो वही लगेगा ना अंकल। मेरा मतलब मैं वो और आपकी बेटी तीनों दोस्त हैं, और दोस्ती यारी तो मोतीचूर के लड्डू से भी प्यारी होती है ना। और लड्डू लेकर आता हूँ, यू सीट। अरे उसकी जरूरत नहीं है, आप बैठिए। बका हेलो बका, लोगो को शक हो रहा है भंडा फूट जाएगा। कितनी अच्छी फोटो आई है। इस फोटो में दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, डाल दे फेसबुक में। अरे अच्छा याद दिलाया, कुछ न कुछ झोल है। भुलक्कड़ एक बात याद दिलाऊं, तेरा ससुर असुर की तरह देख रहा है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू डर गया है। हंसते रहे, मैं भी डर के मारे हंस रहा हूँ ना। नीचे जाके सबसे हंसते हंसते मिल ले। पाजी, फ्रूट सैलेड का काउंटर किधर है? सीधे गेट के बाहर जाइए, उधर सड़क दिखेगी। सड़क के बीच में खड़े हो जाइए, उधर गाड़ी आएगी और तेरा सलाड बनाएगी, फिर वही खा लेना। हाय इंदू, सॉरी वंदू। हे ड्रेस मस्त है, कहाँ से ली? कल अंधेरी स्टेशन के बाहर बिल्कुल ऐसी ही देखी थी, सेल लगी है। चप्पल मारो। अरे ये भी सेल से है, रस्ते का माल सस्ते में। ये कंफ्यूजन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। एक मिनट, पापा को देखा? किसके पापा? अरे मेरे पापा, एक लौते पापा, किधर गए? तुम्हारे पापा? तुम्हारा नाम रजनी है ना? है नहीं? हाँ भी और नहीं भी। अरे हाँ, वो वंदना तुमको ढूंढ रही है। मुझे नहीं, मेरे दोस्त को ढूंढ रही थी। ए, वंदना की शादी तुमसे होने वाली है? शादी मुझसे, लेकिन प्यार उससे करती है ना। तेरी तो एक और कंफ्यूजन। अरे काका ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एसिडिटी हो जाएगी। ये पापा मिले, पापा खाइए खाइए। अरे कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। और आप बहन जी, आप भी बैठिए ना। बैठो। कुछ जरूरी बात करनी है। मैं संदीप जी से बात कर रहा था कि क्यों ना हम सगाई और शादी की बात तय कर लें। आपका क्या कहना है? डेट से पहले और भी बातें तय करनी होंगी, पहले वो बातें तय कर लें। देखिए ये पर्सनल मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। आप समझाइए ना इनको। भैया अपनी फिसलती जबान को ब्रेक लगाओ। पागल हो जाऊंगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। ये रोल नहीं जम रहा मुझे, आई क्विट। हाँ समझी। आप बताइए आपकी क्या राय है, कब की तारीख फिक्स करें? जल्दी क्या है, करते हैं, करते हैं ना। पहले हम सब खाना खाते हैं, खाते हैं ना। आज इनको खाने देते हैं, काम की बात फिर कभी कर लेते हैं ना। मम्मी आप भी कुछ खा लो। क्या कहा मम्मी? मैंने मम्मी कहा? हाँ मम्मी कहा। आप कह रहे हो कि मैंने इन्हें मम्मी कहा? हाँ मम्मी। अरे आपके कान बज रहे, भजिए को निचोड़ के उसका तेल अपने कान में डालिए। आप चलिए आंटी, बहुत भूख लग रही है। ए सर, इस केस को जरा ढंग से खंगालना होगा। समझ गया। हेलो समधी जी, वंदना को तेज बुखार हो गया है, किसी डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए ना। वंदना को तेज बुखार हो गया। अच्छा। आप जरा प्लीज देख लेंगे उसे? हाँ, फिक्र मत। मैं मार्केट में हूँ, घर आ रहा हूँ। ठीक है, पहुँचता हूँ। सर हाँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? तुमने पहले नहीं बताया? वो इसलिए सर क्योंकि मुझे भी अभी मैसेज आया। ठीक है, अपना काम खत्म कर लो फिर चले जाना। नहीं सर, काम बाद में लेकिन माँ पहले, मुझे माफ करना। वंदना कहाँ पे? वो ऊपर है। किसी को भी वंदना के रूम में भेजोगी क्या? अरे इसी से तो उसकी शादी हो रही है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो वही है, कल इसके ससुर ने किसी और को दामाद बताया, तुम इसको दामाद बता रही हो। अब भी ना, ये असली है वो नकली है? रजनी क्या कर रहे हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? प्लीज बाहर जाओ रजनी, वरना कोई देख लेगा। छोकरे की हिम्मत तो देखो, देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? इधर ही रुको, मैं इसको अभी दिखाता हूँ। यही से देखो ना। बीमारी में कीटाणु बहुत फैलते हैं, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। स्पॉन्ज से नहलाओगे? वो उसे स्पॉन्ज बात दे रहा है। चलो हाथ दो। अरे क्या कर रही हो, रुको। इतनी अच्छी तरह नहलाऊंगा कि एक हफ्ते तक नहाना नहीं पड़ेगा। ये फैमिली शो नहीं है, जा। नहीं मुझे देखना है। ये क्या टॉम एंड जेरी चल रहा है, चल जा। वाकई तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, शादी से पहले ही तुम चोरी छिपे मेरे बेडरूम में आ गए और ऊपर से मुझे हक कर रहे हो। किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? इसमें हिम्मत की क्या बात है, मकान मालिक का घर अगर मुसीबत में होगा तो वो तो उसे बचाने आएगा ही ना। कुछ करो या ना करो लोग तो बात बनाएंगे, इससे अच्छा अपनों के काम आ जाओ, इसमें कम से कम किसी का तो भला होगा। वंदना, वंदना, ये कबाड़ी की आवाज तुम्हारे पापा जैसी लग रही है।
ये कबाड़ी वाला नहीं, मेरे पापा की आवाज है। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब काफी बेहतर है, रजनी उसकी देखभाल कर रहा है, पता है बहुत फिक्र करता है वो उसकी। हाँ समधी जी, उसके आते ही वंदना बिल्कुल ठीक हो गई, मैं तो एकदम हैरान हूँ। कमरे में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा है, निकलने का कोई और दरवाजा नहीं है। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर साहब आप चाहें तो जा सकते हैं। क्या ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? अजी मैं एक डॉक्टर हूं, बिना बॉडी चेक किए मैं नहीं जाऊंगा। सही कहा डॉक्टर, चलकर चेक कर लीजिए तभी सब क्लियर होगा। बेटा मुकेश, पता है इस तरह के बुखार की असली दवा क्या है? प्यार। प्यार से बड़े बड़े बुखार है ना उड़न छू हो जाते हैं। आइए डॉक्टर, छोड़ देते। ठीक है जाता हूँ। पापा बाहर चले गए हैं, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अच्छी तरह पानी डाल देना। हाँ डाल दूंगा। ये जला हुआ बैंगन यहाँ पर क्या कर रहा है? समझ गया ना? समझ गया मालिक। सीधे ससुर के पास जा रहा है। क्यों फोन किया था? आपने वंदना का कॉल अटेंड क्यों नहीं किया? इसका फोन साइलेंट मोड पे होगा शायद। ए, मैं दामाद जी से बात कर रहा हूँ ना, तू टांग क्यों अड़ा रहा है? बात मेरे पेट में थी, इसने उल्टी कर दी। एक ही है ना। सर आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं, दरअसल वंदना कुछ रिलेटिव्स के साथ तिरुपति जाना चाहती है। हाँ तो जाओ जाओ। नहीं मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके साथ। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो। अरे आप इतना झिझक क्यों रहे? अपने ही लोग हैं, अपना ही परिवार है। गलत कनेक्शन जोड़ रहा है। और ड्राइविंग आप ही को करनी है। नहीं नहीं, ड्राइविंग तो कल शाम को ही भूल गया, तो आती नहीं है। अच्छा याद होती तो क्या ले जाता उससे अपने साथ। ये दामाद जी। हाँ बोलिए। अरे तुम क्यों बार बार घुस रहे हो, एक तरफ हो जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अरे ये लीजिए वंदना भी आ गई, उसी से बात कीजिए। दामाद जी अब आप बच नहीं सकते, ड्राइविंग आपको ही करनी है। दिल लगी नदी, धुआं उठा, आग लग गई। एक मिनट सर। ए, आग बुझाने के लिए पानी ले क्या? अरे अरे क्या हुआ? ए बक्का अब नाटक नहीं होगा, अब तू जाके भांडा फोड़ या मैं भांडा फोड़ता हूँ। अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है, मेरी बात सुन। 24 घंटा किस्मत जागेगी नहीं, वो कभी कभी सोने जाती है। अभी सो गई तो आवी भाभी आवी, स्लो मोशन में एटीट्यूड में आ रही है, आते ही मेरा लेटीट्यूड बदल डालेंगी। तू एक काम कर, तू इसी पोज में बैठा रहे, मैं लोटा भिजवाता हूँ। तू टेंशन मत ले। ए बका, ये दोस्त किसी काम का नहीं है। ये लो सर धो लो। अरे पीने के लिए चाहिए था, मुझे लगा धोने के लिए मंगाया। तुझे धो डालूंगा। सर बेचारे की हालत तो देखिए, खराब पेट की वजह से सुबह से 25 बार जा चुका है, अभी भी वही करने बैठा है। मैं बोलना तो नहीं चाहता पर लेडीज के साथ हर 5 मिनट में हाईवे पर झाड़ियाँ ढूंढता फिरेगा तो फिर कैसे चलेगा? या, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब वंदना को कन्विंस करना तुम्हारा काम। अरे समझ लीजिए कन्विंस हो गई। और काले कोट, गाड़ी चलानी आती है तो फिर तुम क्यों नहीं चला लेते हो? अपने शहर में चलाता हूँ, बाहर ड्राइवर रखता हूँ। आलसी कहेंगे। रास्ता पता है? रास्ते मिलते नहीं बनाने पड़ते हैं, 2 घंटे में इन्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। गूगल मैप से देखेगा, होशियारी मारता है। लोटा लेके वो गया खेत में, किया हुल्ला हुल्ला हु। सुन ले रे भैया, ले ले तू दवाइया, ना जा रे खेत में आएगी बदबू। सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा, रगड़ रगड़ के धोले में होने पाए जमा। हे तुमने रोड पे बोर्ड देखा? अरे रास्ते में बोर्ड्स नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? अरे बोर्ड पे कुछ और लिखा है, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। रजनी हमें निकले हुए 8 घंटे हो गए हैं, तुमने कहा था 2 घंटे लगेंगे। मैं तो खुद भूल चुका हूँ कहाँ जाना है, तुम लोगों को कैसे लेके जाऊँ? रजनी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है इसलिए शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने, शॉर्टकट? 2 घंटे के रास्ते पे 8 घंटे से घूम रहे हैं, कैसा शॉर्टकट है ये? एक सेकंड में अभी आया। अब ये कहाँ जा रहा है, क्या करूं, कैसे ले जाऊं? बेचारा गाड़ी चलाते चलाते प्यास लग गई। भैया एक मलाई वाला देना। अभी देता है। अच्छा है नारियल पानी पी रहा है, कुछ और नहीं। तिरुपति यहाँ से कितना दूर है? क्या तिरुपति जाना है? वो तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। अब गलत रास्ते पे आ गए। 400 किलोमीटर? हाँ बेटे, अगर गाड़ी भगाओगे तब भी 5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। उससे क्या बात कर रहे थे? यूं ही हालचाल पूछ रहा था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो मेरी तो पूरी जिंदगी प्रॉब्लम बन गई है। रजनी क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा धीरे चलाओ। बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। 15 मिनट क्यों, 5 मिनट में इस स्पीड से तो 5 मिनट में ऊपर। पता नहीं अब ये यहाँ क्या पिएगा। गोविंदा 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 गोविंदा।
गोविंदा गोविंदा। क्या तिरुपति है क्या? हम लोग अलीबाग से नहीं आए, हमको उल्लू मत बनाओ, ये तिरुपति नहीं है। ये तिरुपति नहीं है, उससे भी बड़ा मंदिर है। ए, 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 ए। अरे चुप रहो ना, उसे बोलने दो ना, हमेशा टांग अड़ाना जरूरी है क्या? तुम बोलो क्या बोल रहे थे। तिरुपति में जब भगवान थक जाते हैं तो साल में 15 दिन यहीं रेस्ट करने के लिए आते हैं। गोविंदा, जब स्ट्रेस फ्री भगवान से प्रार्थना की जाती है तो वो एक्सप्रेस स्पीड से सुनी जाती है। गोविंदा, अब बताइए आप वहाँ जाएंगे जहाँ भगवान स्ट्रेस में, या वहाँ जाएंगे जहाँ उनका मूड अच्छा है? सबकी प्रार्थना फटाफट सुनेंगे। हाँ। फिर भी अगर तिरुपति जाना है तो बैठ जाओ खटारे में। नहीं नहीं नहीं, हम यही दर्शन करेंगे, सब ठीक है। इसीलिए तो इतनी दूर यहाँ पर लाया हूँ। चलो अब जाओ दर्शन करो, जाओ। अरे जाओ ना। अरे रजनी, तुम्हारे नाम की तरह तुम भी सुपरस्टार हो। चलो चलो दर्शन करते हैं, चलो चलो। ये भाई, भगवान ने मुंह दिया है तो मुंह में सच झूठ जो आए वो बोलोगे क्या? ए ऊपर वाले, इसकी बकवास सुनने से पहले मेरे कान कट क्यों नहीं गए? गोविंदा 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 गोविंदा। अगली बार मुरुगन स्वामी के मंदिर चलेंगे। आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। आइए सर, आप हमें भूल जाएं लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। ए, तेरे सारे कारनामों का पर्दाफाश हो गया है, क्या देख रही है इसे? आज इसकी आवाज नहीं निकलेगी, मुझसे पूछिए मैं बताता हूं। क्या ये बैगन ही तुम्हारा फियांसे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कह रहा है। असली स्क्रीन राइटर तो यही है, इसने हम सबको ऐसा एड़ा बनाया कि हम कठपुतली की तरह इसके इशारों पर नाचने लगे। What? मुझे तो पहले ही शक हो गया था। मैं तो सबको बताना भी चाहता था लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता। हाँ, जानना चाहती हो कि इसने ऐसा क्यों किया? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एब्सेंट माइंड, भुलक्कड़ है। जिस तरह अच्छे खासे मोबाइल का नेटवर्क गायब होता है, उसी तरह इसके दिमाग का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। शक्ल तक याद नहीं रहती इसे। जब भी कुछ भूलता है तो अपनी गलतियों को बड़ी सफाई से छुपा लेता है ताकि लोगों को इस पर शक ना हो, और तुम आसानी से इसके जाल में फंस गई। यह अच्छी तरह जानता था कि अगर इसकी सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम इसे छोड़ दोगी, इसीलिए इसने सोशल सर्विस के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी फैमिली का सिर्फ एक ही शख्स है जो इसकी असलियत को अच्छी तरह जानता है, तुम्हारे पापा। अंकल बताइए, पापा, तुमसे जब पहली बार मुलाकात हुई तो ये किसी और को ब्लड डोनेट करने के लिए आया था, और उसी का फायदा उठाकर इसने तुम पर दोस्ती का जाल फेंका, तुम्हारा दिल जीता और तुम्हें शादी के लिए राजी कर लिया। ये अच्छी तरह जानता था कि भुलक्कड़ होने की वजह से अंकल इसे रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए इसने अपने दोस्त को दूल्हा बनाया और खुद दूल्हे का दोस्त बन गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस पर किसी को शक न हो। और भी कुछ जानना चाहती हो तो इसकी बातों को याद करो। मेरी तो लाइफ ही प्रॉब्लम बन गई है। अरे मैं तो भूल ही गया, तिरुपति के दर्शन करके आ गए तुम लोग? कहाँ, पिछले 9 घंटों से ये हमें घुमा ही रहा है, ऊपर से झूठी कहानियां भी सुना रहा है। मजबूरी थी, बेचारा भूल गया होगा। अब सोचो, शादी करने के बाद जब तुम इसके साथ हनीमून पर जाओगी तब ये किसी और के साथ हनीमून मना रहा होगा। तो अब क्या करें अंकल? रजनी, ये सब सच है क्या? सच बता। जी, तुमसे घिन आ रही है, चलिए पापा। ए, गाड़ी में डाल इसे। नहीं नहीं अजय, जाने दो इसे। यहाँ मिला, ऊपर मत मिलना। चलो गाड़ी में बैठो। इन्हें सब कुछ बता दिया क्या यार? तेरे पेट में भी कोई बात नहीं रहती है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। आज क्या खास बनाया है? पनीर टिक्का, मेरा फेवरेट। वाह माँ,
मेरा फेवरेट खाना बना है ताकि मैं वंदना को भूल जाऊं। अपने प्यार की नजरों में गिरने के बाद आशिक के गले से निवाला भी उतरना नहीं चाहिए, पर मैं तो खुशनसीब हूं, खाने की तारीफ करते करते भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ, और शायद उसे भी। ऊपर वाले ने क्या कमाल का दिमाग दिया है मुझे, जिसमें बात ही नहीं टिकती है, ये भी नहीं टिकेगी। वाओ, व्हाट अ शॉट, विराट कोहली फिर से सेंचुरी मारेगा। पापा, इस बार सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे और वर्ल्ड कप तो हम। मैं क्यों नहीं भूल पा रहा ये बात, क्यों नहीं भूल पा रहा। जब चीजें याद रखने की कोशिश करता था तब तो याद नहीं रहती थी, और आज भुलाना चाहता हूं तो भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने भुलक्कड़पन को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा मां, पर आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपाहिज हूं। सुनो मां, हाँ। मैं मानता हूं मैं भुलक्कड़ हूं, पर इतना गिरा हुआ इंसान नहीं जो एक लड़की को प्यार में धोखा दूं। मानता हूं कि मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए, और आज उसने कहा उसे मुझसे घिर आ रही है। कैसे समझाऊं मैं उसे मां, कैसे समझाऊं कितनी तकलीफ हो रही है। अगर मैं अपना सीना चीर के दिल भी निकाल के उसके सामने रख दूं ना, फिर भी वो कहेगी एक झूठे के साथ मुझे जिंदगी नहीं बितानी। पहले दिमाग कमजोर था, उसने दिल भी कमजोर कर दिया। हम जैसे दिमागी तकलीफ वाले लोगों को क्या कभी प्यार नहीं मिलेगा। पापा, आपने सही कहा था, बिल्कुल सही। मेरे इस प्यार के चक्कर में आप सभी चक्की की तरह पिस गए। इस गलती के लिए माफ कर दीजिए, आइंदा मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, खा ले। भूख नहीं है माँ। और कितने दिनों तक भूखा रहेगा बेटा? माँ तुम खाना खाओ, दिमाग मत खाओ। नमस्ते बहन जी, रामनाथन जी आज भी नहीं है क्या? ओ हेलो रामनाथन जी, आइए आइए। आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। ठीक है, यहाँ आने की वजह बताता हूँ। मैंने रिश्ता फिक्स कर लिया है। नहीं भी बताता तब भी पता तो चल ही जाता आपको। आपकी एक्स लवर की शादी हो रही हो तो आप खामोश तो बैठोगे नहीं। फिल्मों की तरह मेरी बेटी को शादी के मंडप से किडनैप करने की सोचना भी मत। शरीफ आदमी हूँ, शराफत से समझा रहा हूँ। बस कीजिए भाई साहब, मेरे बेटे को बख्श दीजिए। हम इसे इस तरह तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते, आखिर हम इसके माँ बाप है। मैं ऐसे यही तो कहने की कोशिश आपको कर रहा हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहने के लिए छोड़ा क्या आपने? आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना, अब ये रिश्ता टूट गया, अब खुश है ना? अब भगवान के लिए जाइए यहाँ से। देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझकर अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की कोशिश कर रहा हूं। वंदना अब आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसने मेरी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हामी भर दी है। बेटा, पता है मैंने क्या सोचा इस बारे में? सत्या, शुभ काम में देरी कैसी, ये शगुन की थाली स्वीकार कीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। वंदना, क्या कहती हो बेटा? देखो, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं दूंगी, जैसा आप कहें। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा। इससे तुम्हारी शादी करवाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मेरा दामाद रजनी है, बहुत प्यार करता है तुमसे, फैन हो गया हूं उसका। अंकल, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना, ये एक बाप और एक बेटी के बीच की बात है। मैं इसका पिता हूं और मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना मेरा फर्ज है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। मेरी बात सुनो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ये मैं जानता हूं।
वो जुनून तुम भी नहीं देख पाई बेटा, बट ये उसका बैड लक है कि वो तुम्हारे सामने बयान नहीं कर पाया। उस दिन हॉस्पिटल में जब तुमने उसे प्रपोज किया, मैंने देखा। जिसे मैंने रिजेक्ट किया, मैं सोच के हैरान था कि तुमने उसे एक्सेप्ट किया। जब उसने तुम्हारी भाभी की मदद की तो मुझे लगा पहली बार मिलकर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं उससे दोबारा मिलने गया। वो बोट हाउस पे वेट कर रहा था जहां एक औरत ने उसे अपनी बच्ची को संभालने का जिम्मा दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा, उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद अपने दोस्त को रजनी बनाकर पार्क में ले आया ताकि बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल सके। मैं देखना चाहता था वो इस झूठ को कहां तक ले जाता है। लाइफ को लेके उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। जीने के लिए जिंदगी, कमाने के लिए नौकरी और बांटने के लिए प्यार, खुश रहने के लिए ये तीन चीजें काफी हैं सर। जब उसकी ये बात सुनी तो मैंने अपनी परछाई उसमें देखी। जब तुम्हारे बुखार की खबर सुनी तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके सीधे तुम्हारे पास आ गया। जरा गौर से सोचो, तुम्हें अपनी माँ जितना प्यार करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के बीच में कोई दूसरी बात आ जाए तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पर तुम्हारी बात हो तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता। मैं उसकी बीमारी का इलाज समझ गया हूँ, तुम्हारा प्यार। घर का हर सदस्य रजनी को पसंद करता है, यानी तुम्हारे लिए वो राइट चॉइस है बेटा, मेरी बात मान लो। रजनी उसकी बहुत फिक्र करता है। जब तुम्हें बुखार आया था और वो तुम्हारे पास था तो मैं अंदर से बहुत खुश था। एक बाप के नाते कह रहा हूँ, रजनी से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, कम अज कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हें डर है कि फ्यूचर में भूलने की आदत से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, मगर डर तो उसे इस बात का है कि कहीं वो तुम्हें ना भूल जाए, इसलिए हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। सॉरी अंकल, बातें अच्छी करते हैं पर बहुत ज्यादा करते हैं। बड़े साइंटिस्ट होंगे आप, एक धोखेबाज से अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? क्यों ना डायरेक्ट उन दोनों की शादी करवा दो, पर ये याद रखिए कि आप अपनी बेटी की खुशियों का गला अपने हाथों से घोटेंगे। जिस दिन उसकी भूलने की वजह से आपकी बेटी मर जाएगी ना, देखना उस दिन आप खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, कर लो शादी। पापा, आज 12:30 बजे का शुभ मुहूर्त है, मायलापुर काबलेश्वरन मंदिर मेरी फेवरेट जगह है। मैं अपने कुछ लोगों को फोन कर लेता हूँ कि मेरी बेटी वहां शादी करने आ रही है, लेकिन याद रखना मंगलसूत्र पहनाने के ठीक पहले रजनी वहां आकर तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। वाओ, वेल डन अंकल, सुपर। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अब मैं आपके बताए मुहूर्त पर इसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर रहूंगा, इस चौखट पर आपका दामाद बनकर ही कदम रखूंगा, देखता हूं कैसे रोकता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, रजनी को लेकर तुम्हारे मन में जो डाउट है आज क्लियर हो जाएगा। सर, मेरे पापा ने भी मुझे आज तक इतनी गहराई से नहीं जाना जितनी गहराई से आपने जाना। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं उनके मुंह पे ताले लगा दो। जाओ मेरी बेटी को ले आओ, जाओ बेटा। बॉस वो यहाँ पर आ तो गया है पर जा नहीं पाएगा। पता है, इसीलिए तो जगह बदल दी। उसे वहां से निकलने मत देना क्योंकि मेरी शादी है। मार दो उसको जान से। ओके बॉस। ए, पाना पकड़ उठा लो। ओके। एक लेमन जूस बनाना मसाला मार के। क्या बोला बे? लेमन जूस चाहिए? ये तेरा ठेला नहीं है क्या? तो रास्ते में क्यों खड़ा हुआ है? चल आने। भैया, दो रसीले नींबू को जोर से मसल के निचोड़ो, नमक और शक्कर का बराबर तड़का लगाना, इतना नहीं नहीं इतना बड़ा आइसबर्ग डालना, फिर ऐसा जम के घुल 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 घोलना उसको कि वो नींबू पानी नहीं स्वर्ग से उतरा अमृत लगे। भैया, सोडा का नाम सुन के मेरे मुँह में पानी की बाढ़ आ रही है। इतना पसंद है? तो एक काम कर, मेरे ग्लास में से दो सिप तू भी पी ले। मेरे भाई, मेरे लिए भी सेम टू सेम बोलना। सबके लिए सेम टू सेम। हां बॉस, इस नल्ले से डर गए? एंट्री तो इसने ऐसी मारी जैसे हम सबका गेम बजा देगा, लेकिन यहाँ बच्चे की तरह खड़ा होकर नींबू जूस चूस रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, येड़ा येड़ा।
जब तक वो लेमन चूस रहा है तू भी जाके गोला चूस ले। ओके सर, हैप्पी मैरिड लाइफ। कैसा लवर चुना था, तुझे भूल के लेमन चूस रहा है। अब मैं तेरे साथ शादी मनाने के बाद उसके सामने जाके उसको सरप्राइज देगा। तेरा बाप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे आके मेरे को फाड़ डालेगा। मैं दूध पीता बच्चा दिखता हूँ क्या? ए थोबड़े का एक्सप्रेशन चेंज कर, मैं कोई भूत नहीं, तेरा होने वाला पति हूँ। चल पंडित बुला रहे। ए चल, करंट सा लगा नहीं। इस मंगलसूत्र को वधू के गले में पहना दीजिए। बहुत मारा भाई, मेरा भी याददाश्त चला गया। रजनी, घोड़ी चढ़ने की घाई है क्या? अभी नींबू पानी पिया ना, अभी हम लोग ने संतरे मंगाया है उसका रस पियेंगे, तब तक फेरे हो जाएंगे। रस तो तुम्हारा निकालूंगा। हमारा रस कैसे निकालेगा? कैसे, जैसे नींबू निचोड़ते? पकड़ पाना निकालो रे। सलिया चलेगा क्या? क्या हुआ रे कल्लू, मुझे देखकर तेरी हवा निकल गई? तुझे क्या लगा था रजनी गजनी है, इसलिए वो अपनी सजनी को भूल जाएगा? इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। और वैसे भी अगर दिल का प्लॉट क्लीन हो ना तो जीरो भी हीरो बन जाता है। विलन कितना भी साजिश कर ले वो लात ही खाता है। ए, अब तू जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। हाउ 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 हाउ, प्लीज टेल मी। जैसे कार के पीछे भागने से कुत्ते को कार नहीं मिल जाती, उसी तरह हीरोइन के पीछे भागने से विलन को हीरोइन नहीं मिल जाती। उसे पाने के लिए उसके प्यार के गमले में मोहब्बत का फूल खिलाना पड़ता है। मेरी वंदना को छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सांस कैसे लूंगा, मैं जीऊंगा कैसे? तू भूल गया इस मूवी का हीरो मैं हूं। विलन हीरोइन को कितनी भी शिद्दत से क्यों ना चाहे, कायनात कभी नहीं मिला थी, पर धुलाई जरूर करवा दी। धुलाई कर चुका है, भूल गया क्या? अरे यार सॉरी, भूल गया। कोई नहीं, होता है। एक काम करो, जो मार खा चुके वो साइड हो जाओ, जो बचे हुए वो यहाँ पे आओ। मैं बच गया, जिस जिसने प्रसाद नहीं लिया आगे बढ़ो। भाई साहब। क्या है रे? एक्शन सीन करके थक गए होंगे, थोड़ा विटामिन सी ले लो। खास आपके हिसाब से बनाया। सबसे पहले तो 2 नींबू निचोड़े, उसमें चिलड़ पानी डाला, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसे घोल 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 के आपके लिए बनाया। पियो ना बॉस। शाबाश, थैंक यू। देखा, इसकी याददाश्त की गोटी हिला दी। बॉस, इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यही शादी कर लोगे क्या? वो तो यहीं पे कर रहा था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Yeah!
मिसेस गजनीकांत, शादी तो हमारी हो गई, तो अब हनीमून पे चला जाए। इतनी जल्दी नहीं, अब तक हमारी शादी कहाँ हुई है? अभी दो गांठ बाकी है, भूल गए? भूल गया यार, तीन बार गांठ बांधनी है ना। ऐसे ही मुझे चीजें हमेशा याद दिलाती रहना। एक तो बांधी थी, दूसरी तीसरी, शादी मुबारक हो। अब मैं सोच रहा था बच्चों के नाम भी रख ले। लल्लू, रजनी को पता है ना कि मैं यहाँ हूँ, या आज भी भूल गया वो? पापा। नहीं ससुर जी, आपको कैसे भूलूंगा। वैसे भी बीवी के ताने स्टोर करते करते दिमाग की स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो बचपन की छोटी छोटी बातें भी याद आने लगी। जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना, वो मालती टीचर और अजय का लफड़ा, वो मेरा दोस्त। अरे हाँ, अजय के नाम से याद आया, उस दिन के वाक्य के बाद अजय का कोई अता पता नहीं, लापता हो गया है। कुछ आइडिया है कहाँ है? अजय कौन? इंस्पेक्टर अजय की बात कर रहा हूँ। फॉर्म के भूल के क्या रजनी चूहा काट रहा है? इंस्पेक्टर अजय, वो मैं जरा कपड़े धोकर आया। वो तो मैंने धो दिए। पता है जो ने कहाँ कहाँ काटा? बोला था ना रस्सी खोल के जा। गजनीकांत हूँ ना, भूल गया था।